ठीक है, दैट इज अनअकेडमी एट द रेट ब्योमकेश मेहर पे ज्वाइन कर सकते हो. एनी इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एडमिशंस, रिगार्डिंग ऑप्शनल, रिगार्डिंग एवरीथिंग, यू कैन मतलब ज्वाइन हियर टेलीग्राम चैनल अनअकेडमी एट द रेट ब्योमकेश मेहर के नाम पे. ठीक है, और ये जो है हम लोग का इम्पल्स सीरीज शुरुआत कर रहे हैं, जो जितने भी चैनल का जो मेन मेन फैकल्टीज हैं अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टाइज को लेके, आप देख सकते हो हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज यहाँ पर हैं, और वो हम लोग का एक इम्पल्स हम लोग जो है आप लोगों के सामने ला रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो 9:45 AM पे साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे सचिन सर, 10:30 पे करेंट अफेयर्स मानविंदर सर, 11 AM पे इंडियन ज्योग्राफी दुर्गेश सर, 11:30 पॉलिटी बाय द पवन सर, 3 PM पे इंटरनेशनल रिलेशन बाय द सिद्धार्थ सर, 6 PM पे इकोनॉमी बाय आशीर्वाद सर, 7 PM में फिजिकल ज्योग्राफी बाय किंजल सर, 8 PM पे एनवायरमेंट बाय अजीत सर, और 9 PM पे हिस्ट्री बाय मी. ठीक है, 9 PM हर एक दिन. ठीक है, सो यस, और मैं बता दूं अनअकेडमी ऐप में डेली बेसिस पे 10 से 11 बजे मैं क्विज कंपटीशन करवाता हूं, उसके बाद इकोनॉमिक और पॉलिटी का भी सीरीज चल रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो. ठीक है, एंड प्लस के फ़ायदा क्या है, प्लस में आपको डेली बेसिस में लाइव क्लासेस मिलते हैं, उसके साथ साथ आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती है, एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर, प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा, और सबसे मेन चीज़ है अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज़ का आप देख सकते हो. एंड वीकली मॉक टेस्ट होगा, शॉर्टकट ट्रिप्स होंगे, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होगा, लर्न एट एनी टाइम एनी प्लेस. ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ है डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स विल बी देयर, लाइव टेस्ट क्विज होगा, अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज जो मैंने आप लोगों को बताया था. अगर अनअकेडमी लर्निंग ऐप माय डियर फ्रेंड आपके पास नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल कैसे करोगे, प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा, प्ले स्टोर में एंड ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा, यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम देयर. These are the top educators who are the part of an academy. And about me, myself, Byomkesh Meher, pass out from Delhi School of Economics, Subhar Navodaya Vidyalaya ke student bhi raha hoon, and also pass out from Utkal University, Bani Bihar, Bhubaneswar. And yes, fees ke baare mein thoda sa main bata deta hoon aap logo ko, about the fees. ki ek saal ka, this is my referral code, BM Live is my referral code. You will get 10% discount by using this code. एक साल का फीस आपको पड़ेगा 44,550, एंड दो साल का फीस आपको पड़ेगा जो है 64,800. क्लियर है पॉइंट. और अगर आइकनिक देखो, आइकनिक सब्सक्रिप्शन मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आइकनिक में आपको एक स्पेशल मेंटर मिलता है. जब आप बड़े लेवल का गेम खेल रहे हो, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको स्पेशल मेंटर होना जरूरी है जो आपको गाइड करेंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, what to study, what not to study, how to study, how to prepare for the prelims, how to prepare for the mains. ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए. और एक साल का उसका फीस पड़ेगा आपको 62,000, एंड दो साल का 96,000. आइकनिक में आपको स्पेशल मेंटर, आप चाहते हो कि मैं आपका स्पेशल मेंटर बनूँ तो आप ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, BM Live, एंड डायरेक्टली मुझे कंटैक्ट कि अनअकेडमी की तरफ से एक जो है अनअकेडमी कम्बैट स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक तरफ से क्विज कॉम्पिटिशन्स है, आप उसका एनरोल कर सकते हो. एनरोल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसको हम टॉप थाउजेंड में जो रहेंगे सबके लिए प्राइस है. और देख सकते हो फर्स्ट प्राइस है एप्पल मैकबुक, सेकंड प्राइस है एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड प्राइस एप्पल एयरफोर्स. एप्पल मैकबुक तो करीब करीब 1 लाख का है. तो ये जो है ये आप प्राइज उठा सकते हो, मतलब पढ़ने के साथ साथ फन के साथ साथ प्राइज भी आप जीत सकते हो. ठीक है, तो उसका यूज़ कर सकते हो आप, उसका यूज़ BM Live, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, उसमें क्या रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा 45 मिनट में, और संडे, एवरी संडे 11 AM पे रहेगा ये चीज़ें, हर एक संडे जो है 11 AM पे रहेगा ये चीज़ें. ठीक है, ध्यान रखना. एंड देन देखो, अब जो है प्रीलिम्स के लिए 6 महीना बाकी है. 6 महीने में अनअकेडमी की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म होगा, टॉप एजुकेटर रहेंगे उसके पार्ट, प्रीलिम का टेस्ट सीरीज के साथ साथ सारे चीज़ें क्वेश्चन एनालाइज होंगे. देखो ये स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से, और 6 मंथ का बैच भी है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर्स का भी है, उसका भी रेफरल कोड सेम रहेगा, BM Live. क्लियर है पॉइंट. मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, सब कुछ ठीक है, बता दो एक बार. PDF उसका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा बेटा, बताइए. अगर ऑल क्लियर लिख दीजिए, अगर आवाज़ और PPT ठीक आ रहा है तो ऑल क्लियर लिख दीजिए.
सो आज का जो मैराथन सेशन है बेहतरीन मैराथन सेशन है. यस यस, ऑल क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊं कि सब कुछ सही लग रहा है. ठीक है, ऑल क्लियर, थैंक यू. और एंड उसको आज का टॉपिक को शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, लंबा टाइम तक चलने वाला है. क्लियर है पॉइंट? तो आज का टॉपिक है मुगल एम्पायर. ठीक है, और मुगल एम्पायर में ये सब चीज़ें आप देख सकते हो कि मतलब आज तक भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है ना. ये हुआ था किसके टाइम पे? मुगल एम्पायर के टाइम पे हुआ था, शाहजहां ने बनवाए थे. तो मैं बताऊं, अगर इंडिया की हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की मैं बात करूं, अगर इंडिया की आर्किटेक्ट की मैं बात करूं, एक तरफ से वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड बहुत सारी इमारतें बनी थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्पायर. मतलब आप देख लो जामा मस्जिद, देन ताजमहल, देन उसके बाद जो है आपके दैट इज शीश महल, देन रंगमंच, देन आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, पुराना किला, ये सब जो है मुगल एम्पायर के टाइम पे ही हुआ था. तो हर एक एम्पायर के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, बट बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक थोड़ा सा आप देख लीजिए मज़ेदार. ये तो सबको पता है ना, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ये देखिए, ये भी सबको पता है, रेड फोर्ट है ना, ये सब मुगल एम्पायर के टाइम पे हुआ था, खासकर शाहजहां के टाइम पे. ये भी आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है. मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ये पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक पे. ठीक है, तो मुगल एम्पायर का जो एरियाज है ये है, ये जो ग्रीन कलर का है, दिस इज द एरिया ऑफ द मुगल एम्पायर. ठीक है, तो हालांकि उससे पहले जो है मौर्य साम्राज्य हुआ था, उससे पहले गुप्त साम्राज्य हुआ था. मौर्य साम्राज्य और भी ज़्यादा पावरफुल था, और भी ज़्यादा एरियाज में था, मुगल्स थोड़ा सा कम एरिया में रहे थे. ये आप देख सकते हो कि ये मराठा एम्पायर फाइट बैक, ठीक है, एंड उसके 1757 और 1704 मुगल एम्पायर की पिक्चर्स है ये. ठीक है, और ये तो आपने देख ही लिया है. ठीक है, और ये देख सकते हो मुगल एम्पायर का 1530 से लेकर 1707 तक, मुगलिया दौर. यस, ब्यूटीफुल पिक्चर्स ये देख सकते हो. यस, सो यही कुछ मुगल एम्पायर का ही पिक्चर्स था. ये है फैमिली ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर. चलिए, तो ये एक तरफ से मैंने आप लोगों को दिखाया था कुछ आर्किटेक्ट, ठीक है, ऑफ द मुगल एम्पायर, जो कि फेमस भी है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है. अब मुगल एम्पायर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स. ठीक है, सो मुगल एम्पायर वॉज डिवाइड इंटू टू पार्ट, वन इज अर्ली मुगल्स, दैट इज फ्रॉम 1526 से 1707, और एक है लेटर मुगल्स जो कि 1707 से 1857. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो है अर्ली मुगल्स का पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी है. अर्ली मुगल्स में सारे रूलर आएंगे जो आप लोग पढ़ते हो, अर्ली मुगल्स में बाबर, हुमायूं, शेर शाह. हालांकि देखो, शेर शाह जो है मुगल के नहीं थे, बट इन बिटवीन हुमायूं एंड अकबर शेर शाह आए थे. ठीक है, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. ठीक है, तो ये आपके हो गए अर्ली मुगल्स. आप टाइम भी देख सकते हो, जैसे कि बाबर का यहाँ पर टाइम है, देखो बाबर, बाबर का टाइम है 1526 से लेकर 1530. ठीक है, 26 से लेकर 1530. उसके बाद जो है हुमायूं का टाइम है, दो बार आए थे, 1530 से लेकर 40, देन अगेन 55 से लेकर 56. मैं बताऊंगा क्या हुआ था. देन उसी बीच में देखो, 1540 के बीच में जो है शेर शाह सूरी आए थे, शेर शाह सूरी 1540 से लेकर 45 तक. उसके बाद फिर अकबर आए थे 1556 से लेकर 1605 तक. उसके बाद जहांगीर आए थे 1605 से लेकर 1627. उसके बाद शाहजहां आए थे, और उसके बाद जो है औरंगजेब आए थे. ठीक है, उसके बाद जो है औरंगजेब आए थे. औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था, इधर लिख देता हूँ मैं, उसके बाद है औरंगजेब. और औरंगजेब का टाइम पीरियड था
1657 से लेकर 1707 तक, 1657 से लेकर 17 ऑलमोस्ट 50 इयर्स, तो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो रूल किए थे वो है औरंगजेब, ठीक है, सबसे खूंखार भी हैं औरंगजेब। और सेकंड लॉन्गेस्ट रूलर अगर है तो वो है अकबर हैं, अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेकर 1605, ऑलमोस्ट 49 इयर्स, ठीक है, बट कुछ महीना जो है औरंगजेब अकबर से ज़्यादा टाइम तक रूल किए थे। तो ये है आपके अर्ली मुगल्स की पार्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मुगल्स एम्पायर को दो भाग में डिवाइडेड है, एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे जो रेलिवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके अर्ली मुगल्स ही इंपॉर्टेंट है, लेटर मुगल्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग लेटर मुगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये है मुगल्स के सब, देखो आप, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, बैराम खान, अकबर, जहांगीर, देन नूरजहान, शाहजहान, मुमताज महल, औरंगजेब, अकबर शाह सेकंड, बहादुर शाह जाफर, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि वो है हुमायूं का मकबरा, ये है आगरा का किला, देन ताजमहल, देन लाल किला, देन फतेहपुर सिकरी, देन बीबी का मकबरा, तो ये सब जो है बनाया गया था मुगल के टाइम पे। दीज आर द रूलर्स, सम ऑफ द रूलर्स जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब हम लोग बात करेंगे, अब देखो लेटर मुगल्स में कौन कौन से रूलर आते हैं। हालांकि लेटर मुगल्स थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस है, जिस प्रकार से अर्ली मुगल्स था, लेटर मुगल्स थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है। यस, तो लेटर मुगल्स में देखो, बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह वन, जहांदर शाह, फरुख शियार, रफी जरारत, मोहम्मद शाह रंगीला। तो बहादुर शाह का 1707 से लेकर 1712, 1712 से लेकर 13, देन फरुख शियार का 13 से लेकर 19, देन ये 19 तक ही, देन मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से 48। देखो कम कम साल तक ये लोग रूल किए थे और इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देन अहमद शाह बहादुर 1748 से लेकर 54, आलमगिरी सेकेंड 1754 टू 59, शाह आलम सेकेंड 1759 टू 1806, अकबर सेकेंड दैट इज 1806 टू 3, एंड दैट इज बहादुर शाह सेकेंड 1837 टू 58। तो बहादुर शाह सेकेंड जिसको कहा जाता है, बहादुर शाह जाफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह जाफर, बहादुर शाह सेकेंड एंड बहादुर शाह जाफर भी कहा जाता है, जो मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, लास्ट रूलर थे मुगल साम्राज्य के, बहादुर शाह सेकेंड। क्लियर है पॉइंट? तो ये थे आप लोगों के सामने, मैंने जो बताया था फिर से मैं दिखा देता हूँ, अर्ली मुगल्स एंड लेटर मुगल्स, दैट इज अर्ली मुगल्स बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो अर्ली मुगल्स जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर मुझे पूछते हो कि अर्ली मुगल्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो मैं ये बताऊँगा सबके सब इंपॉर्टेंट है। कोई भी रूलर ऐसा नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके सब है और सबका हमें देखना पड़ेगा, सबका हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए हम सब अर्ली मुगल्स भी पढ़ेंगे और लेटर मुगल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुगल्स, दैट इज बाबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द बाबर, देखो बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1530 तक हुआ था, 1526 से लेकर 1530, बट देखो 26 से लेकर 30 साल तक हुआ था, नो डाउट, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो है 5 साल, बट उन्होंने चार लड़ाई, फेमस लड़ाई की थी, ठीक है, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघर, और चारों लड़ाई में ही अपने ओपोनेंट को उन्होंने हराया था। अब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मुगल ओरिजिनली जो है वो तुर्क्स के थे, एंड दे बिलोंग टू द, देखो ओरिजिनली मुगल्स कहाँ से थे, तुर्क के थे, दे बिलोंग टू द चटकाई ब्रांच ऑफ द तुर्कीस रेस, एक तुर्कीस का रेट था चटकाई, उसी ब्रांच में से आए थे। एंड मुगल इज ऑल्सो नोन एज द तैमुरिड एम्पायर बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन विद द अमीर तैमूर, अमीर तैमूर के साथ उनका रिलेशन था, उसके लिए उसको तैमुरिड एम्पायर भी कहा जाता है। अब देखो सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि द रूलर थ्री थर्टी दे रूल फॉर 331 ईयर्स बट पावरफुल रूलर्स हुए 6, ये जो 6 जो है पावरफुल रूलर थे, हालांकि 331 ईयर तक रूल किया था। पावरफुल रूलर में से देखो बाबर हैं,
हुमायूं हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं और औरंगजेब हैं, और उनका ये टाइम पीरियड है। तो ये छह रूलर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इंक्लूडिंग शेर शाह सूरी ऑल्सो, उसको मिला देंगे तो सात रूलर हो जाएंगे। तो ये सात के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बाकी जो लेटर मुगल्स हैं उनके बारे में भी जो रेलिवेंट है वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बाबर के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे फर्स्ट थिंग है दैट इज द बाबर, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग है बाबर। देखो बाबर के टाइम पे पहले मैं लड़ाई लड़ाई का बात कर लेता हूँ बाबर का, ठीक है, उसके बाद बाकी टॉपिक पे आएंगे। देखो बाबर का सबसे इंपॉर्टेंट रहा है बैटल्स। एग्जामिनेशन में कई बार जो है बाबर के बैटल से क्वेश्चन हुए हैं और क्वेश्चन होता रहेगा, और याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1526, 27, 28, 29 एंड 30, पहला डेट देख लीजिए, ये बहुत आसान है बाबर का बैटल को याद रखना। देखो फर्स्ट है 1526, देन देखो 1527, देन 1528 लगातार है, देन 1529 एंड देन 1530 में उनका डेथ हो गया था। तो लगातार ये चार डेट है 26, 27, 28, 29 और 30 में उनका डेथ हो गया था। सिंपली याद रहेगा चार चार बैटल लगातार हुआ था 26, 27, 28, 29। फर्स्ट बैटल क्या है? बैटल ऑफ पानीपत है जो कि हरियाणा में है। सेकंड बैटल क्या है? बैटल ऑफ खानवा है जो कि राजस्थान में है। थर्ड बैटल क्या है? बैटल ऑफ चंदेरी है जो कि मध्य प्रदेश में है। और फोर्थ बैटल है बैटल ऑफ घाघरा, और बैटल ऑफ घाघर भी कहा जाता है, वो बिहार में है। और चारों ही बैटल में, जैसे कि बैटल ऑफ पानीपत में उनके खिलाफ थे इब्राहिम लोधी थे, देन बैटल ऑफ खानवा में उनके खिलाफ थे राणा संगा थे, बैटल ऑफ चंदेरी में मेदिनी रॉय थे, एंड बैटल ऑफ घाघर में मोहम्मद लोधी लोधी मोहम्मद लोधी थे बैटल ऑफ घाघर में। तो ये चारों जो हैं, चारों चारों जो राजा हैं उनको हराए थे बाबर। उसका सबसे मेन रीजन था कि बाबर जो है यूरोपियन टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल कर रहे थे, जो अब तक भारत में यूरोपियन टेक्निकल इस्तेमाल नहीं हुआ था। उस टाइम पे यूरोपियन टेक्नोलॉजी भारत में था ही नहीं। बाबर वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द यूरोपियन टेक्निक इन द वॉर। सेकेंड थिंग, वो आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल किए थे, गोला बारूद एंड तोफ। पहली बार भारत में गोला बारूद एंड तोफ का इस्तेमाल हो रहा था, आर्टिलरी एंड गन पाउडर। तो यही रीजन की वजह से कि यूरोपियन टेक्निक, आर्टिलरी, गन पाउडर एंड सडन अटैक करते थे अपने दुश्मन को। अगर मैं बैटल ऑफ पानीपत की बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी के पास 10 गुना ज़्यादा था जो बाबर के सेना थे, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा था, बट फिर भी बाबर ने उनको हराए थे बिकॉज ऑफ द वार टेक्निक। बाबर का जो वार टेक्निक था वो काफ़ी ज़बरदस्त था। बाबर जहाँ पर भी लड़ाई करते थे वो खुद बैटल ग्राउंड को जाते थे, खुद वो देखते थे, वो ये मतलब वहाँ पर प्लान स्ट्रेटेजी बनाते थे, कहाँ पर घुड़सवार रहेंगे, कहाँ पर पैदल वाले रहेंगे, कहाँ पर हाथी रहेगा, कहाँ पर से दुश्मन अटैक कर सकते हैं, सब कुछ। तो बाबर जो है बेस्ट स्ट्रेटेजी, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बनाते थे, एंड दैट वाज द रीजन दैट बाबर जो है हर एक बैटल जो है वो जीतते थे। दिस वाज द मेन रीजन दैट बाबर अपने ओपोनेंट को हरा देते थे, ठीक है। तो ये जो बैटल है यहाँ से क्वेश्चन होगा, और उसको कैसे याद करोगे, सिंपल तरीका है, अभी मैंने बताया था 26, 27, 28, 29, 30। और देखो पानीपत, खानवा, चंदेरी, खागर, मैं छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे याद रहेगा। देखो पानीपत से याद कर लेना पानी, पानी मतलब वाटर। खानवा से याद कर लेना खाना, खाना खाने का खाना, देन चंदेरी से याद कर लेना चलना, चलना, और घाघरा से याद कर लेना घर, घर, और ये तो डेथ, मर गया था। तो सिंपल सी बात है, 26 में पानी पिए थे, 27 में खाना किए खाए थे, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पैदल चलते हैं, तो 28 में चल दिए थे, और 29 में कहाँ गए थे, घर गए थे, और 30 में मर गए थे। सिंपल सी बात है, तो सिंपल वे टू रिमेंबर, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया,
29 में घर गया और 30 में मर गया. तो सिंपली सिंपल वे टू रिमेंबर दिस वे. हालांकि आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, एक सिंपल ट्रिक से मेरी तरफ से जो आप उस हिसाब से याद कर सकते हो. ठीक है, तो 26 में पानी पिया पानीपत, 27 में खाना खाया खानबा, 28 में चल दिया चंदेरी, 29 में घर गया घाघरा, और 30 में बाबर जो है मर गया, डेथ हो गई थी. तो सिंपल वे टू रिमेंबर. ठीक है, तो अब देखो बैटल ऑफ पानीपत की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, तो बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था, दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526 में. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था हाँ बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था कि 21 अप्रैल 1526 में हुआ था. 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. क्लियर है पॉइंट? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में देखो पहला चीज तो है कि इब्राहिम लोदी से शुरुआत होती है ये कहानी. ठीक है, देखो उससे पहले जो मैंने बात किया था वो कि कौन सा वंश थे, वो लोधी डायनेस्टी थे. और लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सुल्तान्स के जो लास्ट डायनेस्टी थे वो लोधी डायनेस्टी थे. दिल्ली सुल्तान्स में कई सारे वंश आए थे. ठीक है, कई सारे वंश आए थे, कई सारे वंश का जो है शासन, खासकर जो है 5 मेन वंश आए थे दिल्ली सुल्तान्स में, है ना. जैसे ही मोहम्मद गजनी मोहम्मद घोरी आए थे, उसके बाद जो है स्लेब वंश की शुरुआत हुई थी. स्लेब वंश में कई सारे रूलर ने रूल किया था, लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना, गयासुद्दीन बलबन, ये सब जो है स्लेब वंश गुलाम वंश में रूल किए थे, है ना. गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश आया था, जिसमें जो है बहालो अलाउद्दीन खिलजी जो है मेन मेन रूलर थे, अलाउद्दीन खिलजी. उसके बाद जो है तुगलक वंश आया था, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, देन फिरोज शाह तुगलक, ये सब मेन रूलर थे. उसके बाद जो है सैयद वंश आए थे, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश आए थे. तो लोधी में बहालो लोधी, सिकंदर लोधी, और सबसे लास्ट में जो थे इब्राहिम लोधी. देखो बहालो लोधी सिकंदर लोधी सब अच्छे रूलर के साथ साथ वो बहुत अच्छे मतलब बेनोवेलेंट किंग में मान सकते हो, मतलब प्रजा के साथ उनका संपर्क बहुत अच्छा हुआ करता था. मतलब प्रजा को अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को राज, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि गयासुद्दीन बलबन अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते थे, ऐसा उनका कंसेप्ट नहीं था. प्रजा के साथ मिलकर ही बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और उसके साथ ही वो शासन करते थे. बट जैसे ही इब्राहिम लोधी पावर में आए थे, तो यही जो कंसेप्ट है जो सिकंदर लोधी या बहालो लोधी का था, उसको पूरा ऑपोजिट थे वो. वो सारे पावर अपने अंडर ले आए थे, जिसकी वजह से प्रजा जो है उनके विरोध में आ गए थे. मतलब वो खुद ही सारे पावर अपने अंडर ले आया था, प्रजा उनके विरोध में आ गए थे. और इसी की वजह से दौलत खान लोधी ने बाबर को न्योता दिया था इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए. दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाए थे भारत इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने के लिए. उसके साथ साथ इब्राहिम लोधी के खिलाफ राणा संगा भी हो गए थे, मोहम्मद लोधी भी हो गए थे. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ थे इब्राहिम लोधी, दूसरे तरफ थे बाबर, दौलत खान लोधी, देन अगेन मोहम्मद लोधी सपोर्टेड बाय मोहम्मद लोधी एंड राणा संगा. तो ये चारों एक तरफ थे और एक तरफ इब्राहिम लोधी थे. तो जाहिर सी बात है इब्राहिम लोधी का जो है मतलब डिफीट हो गया था. ठीक है, तो ध्यान रखना फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में देखो यहाँ पर देखो 1524 में दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू इंडिया इन ऑर्डर टू डिफीट द इब्राहिम लोधी. इब्राहिम लोधी कौन है? लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी. मैंने बताया था लोधी वंश के देखो 1526 में बहुत सारी घटना घटी है. 1526 में पहला चीज है कि इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था. दूसरा चीज है इब्राहिम लोधी का डेथ होने के साथ साथ इब्राहिम लोधी लोधी वंश के लास्ट रूलर थे, दैट्स व्हाई लोधी वंश का पतन हो गया था. देन उसके बाद लोधी वंश का पतन होने के साथ साथ दिल्ली सुल्तान्स का खत्म हो गया था. तो पहले फिर से बता रहा हूँ, इब्राहिम लोधी का डेथ, लोधी वंश का खत्म होने के साथ साथ जो है दिल्ली सुल्तान्स का भी खत्म हो गया था. दिल्ली सुल्तान्स में ये जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, सैयद है, लोधी, ये सब का खत्म हो गया था. एंड बाबर बैटल ऑफ पानीपत में बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया. 1526 में बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर इन इंडिया और 1526 से ही मुगल वंश की शुरुआत हुई थी. ठीक है, मुगलिया दौर की शुरुआत हुई थी 1526
26 से ही क्लियर है, इसलिए 1526 इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोदी का डेथ, लोदी वंश का पतन, दिल्ली सुल्तान्स का पतन, बाबर वाज द रियल रूलर ऑफ द इंडिया एंड बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर। तो ये पांच चीजें जो है 1526 में और बैटल ऑफ पानीपत याद रखना है, क्लियर है। तो बैटल ऑफ पानीपत में ये चीजें जो हुआ था, तो एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, दूसरे तरफ थे कौन कौन से रूलर, देखो दूसरे तरफ थे कि पहला जो है, पहला तो बाबर है इब्राहिम लोदी के खिलाफ, फर्स्ट जो है चारों थे, फर्स्ट जो है बाबर है। बाबर को सपोर्ट कौन किया था, दौलत खान लोदी ने सपोर्ट किए थे जो कि बाबर को बुलाए थे, ठीक है। सेकंड है बाबर इज सपोर्टेड बाय दौलत खान लोदी, उसके साथ साथ उसको कौन सपोर्ट किया था, बाबर को ही, देन राणा संगा ऑल्सो सपोर्टेड बाबर, राणा संगा ऑल्सो सपोर्टेड बाबर, ठीक है। उसके साथ उसके बाद जो है मोहम्मद लोधी, उसके बाद और एक है मोहम्मद लोधी भी सपोर्ट किए थे। तो एक तरफ थे इब्राहिम लोधी और एक तरफ ये चार थे, पहला बाबर, दूसरा दौलत खान लोधी, तीसरा राणा संगा और चौथा जो है मोहम्मद लोधी, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन सा ईयर में हुआ था, 1526 में हुआ था, ठीक है। उसमें दो साइड थे, तो पहला साइड जो है दैट इज बाबर, पहला जो है बाबर है, बाबर को सपोर्ट किए थे दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी, देन अगेन सपोर्टेड बाय मोहम्मद लोधी, मोहम्मद लोधी, देन अगेन सपोर्टेड बाय राणा संगा, क्लियर है। और दूसरी तरफ जो थे वो है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। तो ये था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत कहां पे है, दिस इज इन हरियाणा, दिस इज इन हरियाणा, ठीक है। तो एक तरफ थे इब्राहिम लोधी, हमने अभी देखा था, ठीक है। तो एक तरफ जो थे वो है इब्राहिम लोधी थे एक तरफ, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत में। और दूसरी तरफ ये चारों रूलर थे, ये चारों थे कि फर्स्ट है बाबर, दूसरा है दौलत खान लोधी, तीसरा है मोहम्मद शाह मोहम्मद लोधी और चौथा है राणा संगा। तो ये चारों जो है एक तरफ थे, तो जाहिर सी बात है बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। इब्राहिम लोधी को हराने के बाद लोधी वंश का पतन हो गया था, इब्राहिम लोधी का डेथ हो गया था, बाबर एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर एंड बैटल ऑफ पानीपत। तो ये सब रीजन की वजह से जो है हमारा जो है बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है, क्लियर है पॉइंट। तो ये था बैटल। तो अब देखो ये तो 1526 की बात है, अब उसके बाद जो लड़ाई हुई थी 1527 में, ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है 1526 में बैटल ऑफ पानीपत ये चीज़ें हुआ था, बट 1527 में क्या है, बैटल ऑफ खानबा है ना, 1527 में बैटल ऑफ खानबा आप देख सकते हो कि उसके बाद जो है 16 मार्च 1527 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ खानबा हुआ था। उस टाइम पे जो खानबा के जो राजा थे कौन थे, राणा संगा थे। हालांकि राणा संगा जो है बैटल ऑफ पानीपत में बाबर को सपोर्ट किए थे, बट यही तो दस्तूर है, दुनिया का दस्तूर है, तो उसी के खिलाफ बाबर ने लड़ाई की थी 1527 में। तो ये लड़ाई जो हुआ था बाबर एंड राणा संगा के बीच में, और देखो ध्यान रखना ये लड़ाई जो है, दिस वॉज द फर्स्ट बैटल बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत। ये सवाल एक बार पूछा गया था कि आपको बताइए मुगल्स और राजपूत के बीच में पहला लड़ाई का नाम क्या है, मुगल्स एंड राजपूत के बीच में जो फर्स्ट लड़ाई है दैट इज मुगल एंड राजपूत में फर्स्ट लड़ाई है दैट इज बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा इज द फर्स्ट वॉर बिटवीन मुगल्स एंड राजपूत, मुगल्स और राजपूत के बीच में फर्स्ट लड़ाई है जो बैटल ऑफ
खानवा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी वही हुआ था, बाबर ने राणा संगा को हराए थे और खानवा के ऊपर भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। क्लियर है पॉइंट। अब देखो अगला जो लड़ाई है 15 कब हुआ था, 1528 में हुआ था। अगला जो लड़ाई है 1528 में हुआ था वो मेदिनी रॉय के खिलाफ हुआ था, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी के जो रूलर थे मेदिनी रॉय, और यहाँ पर भी वही हुआ था, बाबर ने मेदिनी रॉय को हराया था और चंदेरी के ऊपर कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पर देखो इन 1528 जो मेदिनी रॉय थे, जो रूलर थे मलवा, वॉज फॉट इन द बैटल ऑफ चंदेरी बट वर डिफीटेड। तो बैटल ऑफ चंदेरी में मतलब मेदिनी रॉय को हरा के बाबर ने कैप्चर कर लिए थे। फिर अगले साल जो लड़ाई हुआ था, कब लड़ाई हुआ था, 1529 में, किसके खिलाफ, मोहम्मद लोधी के खिलाफ। देखो मोहम्मद लोधी भी बाबर को सपोर्ट किए थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ध्यान रखना। उससे पहले जो मैंने बात की थी कि राणा संगा भी सपोर्ट किए थे, अब जो है मोहम्मद लोधी भी सपोर्ट किए थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, बट बाबर ने मोहम्मद लोधी के खिलाफ भी लड़ाई की थी। उस बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ घाघर और घाघरा, ठीक है, ये कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने हराया था। फिर बाबर का डेथ हुआ था 1530 दिसंबर 26, तो बाबर का डेथ हो गया था दिसंबर 26, बाबर जो है डेथ हो गया था, एंड उनको जो दफनाया गया था आगरा, ठीक है, बट वॉज लेटर बरीड एट आरम बाग नियर द काबुल बागे बाबर इन अफगानिस्तान। देखो पहला जो है, अगर पूछे जाते हैं कि कौन सा रूलर है जिनको दो बार दफनाया गया, वो हो गए बाबर। पहले तो उनको दफनाया गया था आगरा में, बट बाद में उन्होंने अपना जो ऑटोबायोग्राफी लिखा था तुजुक के बाबरी ने, वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था कि उनका बचपन जो है अफगानिस्तान में बीता है, तो इसलिए जहाँ पर बचपन वो लोग जन्म लिए थे वहाँ पर ही उनको दफनाया जाए। तो जैसे ही ये चीज़ें लोगों को पता चला, पढ़े थे प्रजा सब, तो उनको वहाँ से फिर से निकाल के फिर से दफनाया गया था अफगानिस्तान में, फिर से दफना, तो पहले फर्स्ट आगरा में फिर अफगानिस्तान में उनको दफनाया गया। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप होता है कौन सा रूलर है जिनको दो बार दफनाया गया, वो होंगे बाबर होंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो और एक चीज मैं बताऊं कि बाबर जो है हमेशा चारों बैटल में जीतने का जो मूल श्रेय जाता है बाबर को, पहला चीज है वो सडन अटैक करते थे, उनका रणनीति, उनका जो स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर था दूसरे कंपैरिजन में। वो खुद ग्राउंड बैटल में जाते थे, वो खुद जाते थे, देखते थे कि दुश्मन किस तरफ से आएंगे, किस तरफ से उनका घुड़सवार रहेगा, किस तरफ से उनका सब कुछ रहेगा, ये सी स्ट्रेटेजी खुद ही बनाते थे। उसके साथ साथ कि वो यूरोपियन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, और सबसे मेन चीज़ है आर्टिलरी और गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे। बाबर जो है आर्टिलरी एंड गन पाउडर का इस्तेमाल करते थे। ये जो है फर्स्ट टाइम भारत में जो है फर्स्ट टाइम उसका यूज़ हो रहा था, और इट वॉज एन यूरोपियन टेक्निक, ये जो है यूरोपियन टेक्निक भी है आर्टिलरी एंड गन पाउडर। तो भारत इतना उस टाइम पे डेवलप नहीं था कि आर्टिलरी गन पाउडर मतलब गोला बारूद और तोफ के बारे में ये कहा जाता है कि मतलब बाबर की तरफ से तोफ चलता था तो दुश्मन के जो घोड़े थे हाथी थे ऐसे भी डर जाते थे और अपने सेना को मारने लगते थे। तो यही रीज़न था कि बाबर चारों बैटल जो है उन्होंने अपने नाम कर दिया था, अपने ओपोनेंट को हराया था। और उसके बाद जो है बाबर अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है, आत्मजीवनी अपने बारे में, जिसका नाम है तुजू की बाबरी। बाद में उसको मतलब पहले जो लिखे थे वो तुर्किस लैंग्वेज में, बाद में उसको जो है अब्दुल रहीम खान जो है पारसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया था और उसको रख दिए थे बाबरनामा, ठीक है। तो बाबर जो है अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, दैट वॉज नोन एज तुजू के बाबरी। अपना ऑटोबायोग्राफी में ये कहा जाता है दिस वाज द एक्सलेंट अकाउंट ऑफ द इंडिया एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और इंडिया के बारे में उसमें मेंशन था तुजुक के बाबरी में, ठीक है, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया था बाबरनामा में। तो बाबर जो लिखे थे वो कौन सा लैंग्वेज में, बाबर जो लिखे थे वो है तुर्कीज लैंग्वेज में, बट बाद में पारसी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया था। और किसने किए थे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट, अब्दुल रहीम खाने खाना, ध्यान रखना खाने खाना, खान नहीं है खाने खाना है, और उसका नाम क्या दिए थे बाबरनामा। तो इतना याद रखना है, बाबर जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजू के बाबरी कौन सा लैंग्वेज में है, तुर्किस लैंग्वेज में, ट्रांसलेट कौन किए थे अब्दुल रहीम खाने खाना, कौन सा भाषा में ट्रांसलेशन हुआ था पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। हालांकि ये जो तुजू के बाबरी है या फिर बाबरनामा है उसको इंग्लिश में भी मैडम बेवरीज ने ट्रांसलेट किए थे, और इंग्लिश में उसका नाम दिए थे लेटर टू बाबर, ठीक है। देखो
तो उस बुक को किसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, वो है मैडम वेवरीज ने ट्रांसलेट किए थे, और उसका नाम दिया था बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर, ठीक है। तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किए थे मैडम वेवरीज ने, उसको नाम दिया था बुक ऑफ बाबर और लेटर ऑफ बाबर, ठीक है। उसके बाद बाबर ने अपने टू पोएम्स भी लिखे थे, बाबर कंपाइल टू एंथ्रोपोलॉजीज ऑफ पोएम्स, दो पोएम्स भी लिखे थे, आप देख सकते हो। पहला है दीवान, दैट इज इन तुर्किस लैंग्वेज, दूसरा है मुबैयान, दैट इज इन पारसी लैंग्वेज, ठीक है। बाबर ने अपना दो पोएम्स लिखे थे, एक है दीवान, एक है मुबैयान, एक है तुर्किस, एक है पर्शियन भाषा में। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है आई होप। देन उसके बाद है ही रोट रिशाल आई उसाज लेटर ऑफ बाबर, ठीक है। उसके बाद देखो, इन द ईयर 1527 में बाबर बिल्ड काबुली बाग, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद बनाया था पानीपत में। देखो 1526 में उन्होंने क्या किया था, बैटल ऑफ पानीपत जीते थे, और बैटल ऑफ पानीपत जीतने के याद में, क्योंकि बाबर उसके बाद जो है दिल्ली में आ गए थे, मतलब इंडिया में आ गए थे, तो उसी के याद में 1527 में अगले साल जो है काबुली बाग मस्जिद बनाए थे पानीपत में, ठीक है। क्योंकि पानीपत विक्ट्री के बाद, ठीक है, पानीपत इज इन हरियाणा, तो 1527 में बाबर ने कौन सा मस्जिद बनाए थे, काबुली बाग मस्जिद बनाए थे, कहाँ पे, पानीपत। पानीपत में इसलिए बनाए थे क्योंकि आफ्टर हिज विक्ट्री इन द पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1526 में हुआ था, तो 26 में जीतने के बाद वही पानीपत में काबुली बाग मस्जिद उन्होंने बनाया था, काबुली बाग मस्जिद उन्होंने बनाया था। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद 1528 और 29 में उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद भी बनाया था, जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, बाबरी मस्जिद क्यों, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आज के डेट में बाबरी मस्जिद क्यों का कंट्रोवर्सी किसको नहीं पता, सबको पता है। तो वहाँ पर जो है बीच में बहुत हंगामा चल रहा था बाबरी मस्जिद का कंट्रोवर्सी के बारे में, रिगार्डिंग वहाँ पर बाबरी मस्जिद होगा या राम मंदिर होंगे, है ना। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है कि वहाँ पर जो है राम मंदिर बनाया जाएगा। ये कहा गया है कि वहाँ पर जो है पहले राम जी का जन्मभूमि था, उसको हटा के बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था। हालांकि उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, इट्स ए वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, लेट्स कम टू द टॉपिक। हाँ, बट 1528 और 29 में बाबर कंस्ट्रक्टेड द बाबरी मस्जिद, बाबर ने बाबरी मस्जिद जो है बनवाया था कहाँ पे, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, दैट इज लॉर्ड बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा इन अयोध्या, एंड इट वॉज सेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय मीर बाकी जो कि कमांडर ऑफ बाबर थे, ठीक है। हालांकि बाबर के नाम पे बना था 1528 और 29 में, बट मीर बाकी जो कमांडर ऑफ बाबर थे उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। हालांकि राम जी के जन्मभूमि माने जाते हैं, और ये भी माने जाते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर था, बाबर ने हटाए थे और वो हुआ था। उसके बाद फिर आप लोगों को पता होगा 6 दिसंबर 1992 में डिमोल्यूशन ऑफ द बाबरी मस्जिद हुआ था, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर डिसीजन दे दिया कि वहाँ पर राम मंदिर बनेंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो आज के डेट में जो राम मंदिर, देखो बाबरी मस्जिद बना था उस टाइम पे दो कंट्रोवर्सी थे। एक तो पहला चीज़ है कि वहाँ का राम जी का जन्मभूमि था, उसको हटा के, राम मंदिर को हटा के बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था, ये हिंदू का कंप्लेन था। उसके साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम्स का भी कंप्लेन था कि मस्जिद जो है किसी इंडिविजुअल नाम पे नहीं होना चाहिए, तो बाबर ने अपने नाम पे बाबरी मस्जिद बनाया था, तो उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। एनीवे, तो बाबर के बाद, हाँ, बाबर के जन्म के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो आप लोगों को बताने वाला था। हाँ, ये बाबरी मस्जिद का पिक्चर भी आप देख सकते हो, है ना, बीच में जो था सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, तो ये सब कंट्रोवर्शियल। बाबरी मस्जिद का ये पहला पिक्चर आज के डेट में तो हालांकि नहीं है, पहले वाला पास्ट पिक्चर है ये, ठीक है। हालांकि उसके बाद आप लोगों को पता होगा, ये सीन आप लोग नेट वगैरह में देखे होंगे, 1992 में 6 दिसंबर डिमोल्यूशन ऑफ द बाबरी मस्जिद हुआ था, है ना। ये घटना जो है, ये कहा जाता है कि उस टाइम पे सारे जो है आ गए थे और पूरा बाबरी मस्जिद को एक ईंट तक भी नहीं बचा था, ये कहा जाता है। बट एनीवे, तो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थिंग्स, उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब देखिए, हाँ, और कुछ डाटा देखो बाबर के बारे में।
देखो ऑब्वियसली बात है, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। 1526 में वो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, हरा के बाबर जो है वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, और उनको कहा जाता था ही वाज द फिफ्थ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। तैमूर फादर के साइड में जो तैमूर लैन है, खूंखार खूंखार मतलब एक तरफ से तैमूर लैन, उनके फिफ्थ डिसेंडेंट है एंड 14 डिसेंडेंट ऑफ चेंगिज खान, मदर साइड की तरफ से चेंगिज खान है। तो आप देख सकते हो चेंगिज खान एंड तैमूर लैन जो है वर्ल्ड का सबसे खूंखार पर्सनालिटी में से आते हैं। दोनों का कम्बिनेशन जो थे बाबर था, और बाबर का मतलब ही है टाइगर, ठीक है, तो इतना खतरनाक तो होना ही था। और बाबर का जन्म जो हुआ था देखो अंडीजान में, बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, दैट इज इन अंडीजान। अंडीजान जो है फरगना वैली में है एंड इन तुर्की, तुर्की में है, और आज के डेट में मॉडर्न डे ऑफ उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में है, ध्यान रखना। तो ये सवाल कभी कभी आते हैं, अंडीजान कहाँ पे है, फरगना वैली में है और दैट इज इन तुर्की, और आज के डेट में उज्बेकिस्तान में है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। और बाबर जन्म कब हुए थे, 1483 में। 14 फेब तो आप लोगों को पता ही होगा। देखो 14 फेब मुगल एम्पायर में इसलिए इंपॉर्टेंट है, 14 फेब में बाबर का जन्म भी है और 14 फेब में अकबर जो है राजा बने थे। दो चीज इंपॉर्टेंट है 14 फेब में। फर्स्ट है बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी में, जो आप मनाते हो वैलेंटाइन डे, और 14 फेब में अकबर जो है शासक बने थे, तो इसीलिए 14 फेब इंपॉर्टेंट है। तो जन्म है 14 फेब 1483 एज द सन ऑफ उमर शेख मिर्जा एंड निगर खानम। उनका फादर का नाम है उमर शेख मिर्जा और उनका मदर का नाम क्या है, निगार खानम है, ठीक है। एंड ही वॉज द एल्डर सन ऑफ हिज उमर शेख मिर्जा फादर एंड गवर्नर ऑफ फरगना एंड द ग्रेट ग्रांड सन ऑफ द तैमूर, तैमूर के ग्रेट ग्रांड सन और अपने फादर के जो है मतलब एल्डेस्ट सन थे, ठीक है। आप देख सकते हो दीज आर द पिक्चर्स। और ये है बाबरनामा, मेमोरीज ऑफ बाबर प्रिंस एंड एम्परर, ये भी देख सकते हो बाबरनामा, मेमोरीज ऑफ बाबर, और ये तो मैंने बताया था बाबरी मस्जिद, ये डिमोल्यूशन ऑफ द बाबरी मस्जिद इन द ईयर 6 दिसंबर 1992, बैटल ऑफ पानीपत का सीन है ये तो पिक्चर वाला स्क्रीन है, सीन है, रियल वाला नहीं है। हाँ एक और चीज है देखो, इन हिज अर्ली एज ही रूल ओवर द सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में वो रूल कर रहा था, जैसे कि फरगना है, समरकंद है, काबुल है, एंड ही कैप्चर काबुल इन 1504, देन ही अटैक टू इंडिया 5 times फॉर ही वांट ऑफ वेल्थ। पहले 5 बार जो है भारत के ऊपर अटैक कर चुके थे बाबर, बट वो सफल नहीं हुए थे, बट दौलत खान लोधी जब 1526 में उन्होंने बुलाया था तब जो है बैटल ऑफ पानीपत के बाद सबको हरा दिया था, क्लियर है पॉइंट। द फर्स्ट अटैक ऑफ इंडिया वॉज 1519 एट द बहरा, ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना प्रीलिम्स में। पहला अटैक जो है 1526 नहीं था, 1519 है, कहाँ पे, बहरा पे, पंजाब पे, यू आर द फर्स्ट प्लेस टू बी कैप्चर बाय द बाबर, तो पंजाब का ये जो है दिस वाज द फर्स्ट प्लेस कैप्चर बाय बाबर, ठीक है। तो अपना अर्ली लाइफ में फरगना, समरकंद, काबुल ये सब पे कैप्चर कर किया हुआ था, और उन्होंने 1504 में काबुल के ऊपर भी कैप्चर किया था, उसके साथ साथ उन्होंने 5 बार भारत के ऊपर अटैक कर चुका था, और पहला अटैक जो है पंजाब में किया था, दैट इज वेरा, जगह का नाम है वेरा। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये था बाबर के बारे में। अब देखो, अब जो है बाबर के बाद जो मेन रूलर है वो है हुमायूं है, ठीक है, बाबर के बाद जो मेन रूलर है वो है हुमायूं है, और हुमायूं का जन्म हुआ था 1507 में, ठीक है। और बाहर सी बात है कि मुहिम सुल्तान सुल्ताना और बाबर का जो बेटा थे वो है हुमायूं थे, और उनका जो है तीन भाई पे, उनका एम्पायर जो है तीन भाई पे डिवाइड था, एक है अस्कारी, एक है हिंडाल और एक है कमरान, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बाबर का जो जन्म हुआ था 1507 में वो जन्म हुए थे, और कहाँ पे, काबुल एज द सन ऑफ बाबर एंड महिम सुल्ताना, तो बाबर और महिम सुल्ताना के वो बेटा थे, एंड ही बिकम द मुगल एम्पायर ऑन 29 दिसंबर 1530 एट द एज ऑफ कितना, एट द एज ऑफ 23 ईयर में वो शासक बन गए थे।
और उनका एम्पायर जो है तीन भाई में डिवाइड हुआ था, एक है अस्कारी, एक है हिंडाल और एक है कमरान। आप देख सकते हो हिज एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू एमंग हिज थ्री ब्रदर्स, दैट इज एक है अस्कारी है, एक है हिंडाल है और एक है कमरान है। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद देखो उनके टाइम पे तीन बैटल हुआ था। पहला बैटल देखो आप देख सकते हो बैटल ऑफ चौसा, दूसरा है बैटल ऑफ कनौज और तीसरा है बैटल ऑफ मच्छीवारा। ठीक है, बैटल ऑफ मच्छीवारा। तो चौसा जो है बिहार में है, कनौज जो है यूपी में है और मच्छीवारा आप देख सकते हो पंजाब में है। मच्छीवारा लग रहा है वेस्ट बंगाल बट वो पंजाब में है। ठीक है, तो 1539, 1540, 1555। देखो पहला जो बैटल हुआ था 1539 में बैटल ऑफ चौसा, और बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था बेटा किसके बीच में हुआ था, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में ये बैटल हुआ था, शेर शाह सूरी एंड हुमायूं। एंड बैटल ऑफ चौसा में, चौसा जो बिहार में है उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। उसमें क्या हुआ था, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, शेर शाह सूरी डिफीटेड द हुमायूं। क्लियर है पॉइंट, पहला बैटल में। उसके बाद अगले साल 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुआ था। कनौज आप लोगों को पता होगा अत्र के लिए फेमस है, यूपी में है, कनौज यूपी में है। तो ये लड़ाई भी सेम शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में हुआ था, और यहाँ पर भी सेम इंसिडेंट हुआ था कि शेर शाह सूरी ने पूरी तरह से हुमायूं को हरा दिया था। और जब पूरी तरह से बैटल ऑफ कनौज में हारने के बाद हुमायूं जो है भारत छोड़कर वो चले गए थे और वो 15 साल तक इंडिया से बाहर रहे थे। ही स्टे इन एग्जाइल, 12 साल तक वो अज्ञातवास में रहे थे। 12 ईयर्स ही स्टे इन एग्जाइल, अज्ञातवास मतलब अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा के रखे थे। उनको कहीं ये डर था कि कहीं उनको पता चल गया उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में तो शायद शेर शाह सूरी जो है उनको मार सकता है, इसलिए वो अपना आइडेंटिफिकेशन को छुपा के रहे थे। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। अपना आइडेंटिफिकेशन को इसलिए छुपा के रखे थे क्योंकि उनको ये डर था कहीं मतलब शेर शाह को पता चल गया तो उनको कंप्लीटली मार देंगे। दैट वॉज द रीज़न अपना आइडेंटिफिकेशन को वो छुपा के रखे थे एंड वो चले गए थे ठीक भारत छोड़कर। उसके बाद फिर कमबैक हुआ था जैसे ही हुमायूं का डेथ हुआ था। हुमायूं का बेटा उस टाइम पर रूल कर रहे थे, तो उन्हीं के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवारा, ठीक है, तो उनको जो है हुमायूं ने हरा दिया था और हुमायूं कमबैक किए थे। ठीक है, दिस इज अबाउट द हुमायूं, आप देख सकते हो। तो हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चुनेट, बट मैं बता दूं मुगल एम्पायर का सबसे अनफॉर्चुनेट रूलर जो थे मोबाइल थे। उनका नाम जो है फॉर्चुनेट था बट सबसे अनफॉर्चुनेट जो थे वो हुमायूं थे। हालांकि वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन में से उनको काउंट होता है, वन ऑफ द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर भी हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी कि देखो ही वाज हुमायूं का मतलब क्या है, दैट मींस फॉर्चुनेट एंड ही वाज द एकम्प्लिस मैथमेटिशियन एंड ऑल्सो एस्ट्रोनॉमर। एंड 1539 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ चौसा हुआ था, चौसा बिहार में है, और हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह। ठीक है, और शेर शाह का ओरिजिनल नाम क्या था, देखो शेर शाह का ओरिजिनल नाम था फरीद खान। ठीक है, शेर शाह का ओरिजिनल नाम जो था फरीद खान। हालांकि शेर शाह वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी, ध्यान रखना शेर शाह वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी का फाउंडर। ठीक है, उसके बाद देखो 1540 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ कनौज हुआ था। कनौज है दैट इज इन, उसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। ये कहाँ पे, यूपी में है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एंड फाउंडेड द सूरी डायनेस्टी। मैंने बताया था सूरी डायनेस्टी का भी फाउंड किए थे, कौन सा ईयर में, 1540 में। तो दो बार देखो लगातार 1539 एंड 1540 में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज में दोनों ही बार हुमायूं एंड शेर शाह के बीच में हुआ था, और दोनों ही बैटल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराए थे। और दो बार हारने के बाद जो है हुमायूं चले गए थे भारत छोड़कर, और यहाँ पर सूरी वंश का जो है शुरुआत हुआ था। ठीक है, ईरान चले गए थे। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो कि आफ्टर टू कंटिन्यूअस डिफीट, ठीक है,
Sher Shah escaped to Iran and he stayed there in exile for the 12 years. मतलब टोटल 15 साल तक रुके थे वो, बट 12 साल तक एग्जाइल में रहे थे. एग्जाइल का मतलब है अज्ञातवास, अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपा के. बाद में 3 साल में अपना आर्मी को सशक्त किया था, बिल्ड किए थे और फिर से अटैक किए थे वेट्रप मच्छीवारा. तो उस टाइम पे 1555 हुआ था जब दोबारा वो भारत के ऊपर आए थे. अटैक तो नहीं, वो अपने ही पोजिशन पर आए थे. उस टाइम पे शेर शाह का बेटा सिकंदर शाह सूरी जो है रूल कर रहा था. और बैटल ऑफ मच्छीवारा जो है फिर से मतलब हुमायूं और जो शेर शाह का बेटा सिकंदर शाह सूरी रूल कर रहा था दोनों के बीच में हुआ था. और उस टाइम हुमायूं हारे नहीं थे, हुमायूं ने हराया था. हुमायूं डिफिटेड सिकंदर शाह सूरी, द सन ऑफ शेर शाह सूरी. और फिर से वो अपना दिल्ली को मतलब अपना जो इंडिया को और दिल्ली को रिकैप्चर किया था. तो आप देख सकते हो आफ्टर टू कंटिन्यूस डिफीट बाय शेर शाह सूरी हुमायूं एस्केप टू ईरान, ईरान चले गए थे. एंड ही स्टे देयर इन एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब अज्ञातवास. कितना कितना साल के लिए? फॉर द 12 ईयर्स. उसके बाद 3 साल में उन्होंने कम बैक किया था और फिर से लड़ाई की थी. कौन सा ईयर में? 1555, ये तो याद रहेगा. 1555 बैटल ऑफ मच्छीवारा, ये भी याद रहेगा. ठीक है, मच्छीवारा कहाँ पे? पंजाब में है. तो ये किसके बीच में हुआ था बेटा? हुमायूं के बीच में हुआ था और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था. सिकंदर शाह सूरी कौन है? सन ऑफ शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का बेटा है. तो उसको हरा के फिर से रिकैप्चर किया था. ठीक है, उसको रिकैप्चर किया था, बट ओनली रूलर फॉर द 6 मंथ. उसके बाद जो है 6 महीना ही रूल कर पाया था. एंड ही डाइड बाय एन एक्सीडेंट फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ द लाइब्रेरी शेर मंडल. फिर 24 जनवरी 1556 में, ठीक है, जैसे ही वो आए थे तो उन्होंने जो है देखो एक इंसिडेंट हुआ था. 6 मंथ तक रूल किए थे और अपना जो है लाइब्रेरी हुआ करता था वो है शेर मंडल. पुराना किला में लाइब्रेरी हुआ करता था शेर मंडल दिल्ली में. वहाँ से गिरकर उनका डेथ हो गया था. ठीक है, उनका डेथ हो गया था 24 जनवरी 1556 में. मतलब रूल करने के बाद 6 महीना ही रूल कर पाए थे. फिर उनका मतलब यंग टाइम पर ही उनका एक तरफ से डेथ हो गया था. अपना जो शेर मंडल है पुराना किला में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के स्टेयर के सीढ़ियों से गिरकर उनका डेथ हो गया था. ठीक है, इसलिए अपना जैसे कि कहा जाता है कौन कौन से रूलर ने अपना ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखे थे, वो एक है हुमायूं होंगे और एक है अकबर होंगे. हुमायूं इसलिए क्योंकि वो जवान थे और उनका डेथ हो गई थी. और अकबर जो है खुद अनपढ़ थे. हालांकि अकबर ने ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक रूल किए थे बट वो अनपढ़ थे. ठीक है, बट उनके डेथ के बाद उनका वाइफ जिनका नाम है हमीदा बानो बेगम, जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है, उन्होंने हुमायूं के याद में हुमायूं टॉम बनवाया था. तो ध्यान रखना, शाहजहां ने मुमताज के याद में ताजमहल बनाए थे और हुमायूं के वाइफ ने हुमायूं के याद में हुमायूं टॉम बनाए थे, ध्यान रखना. उसके बाद हुमायूं के जो सिस्टर है जिनका नाम है गुलबदन बेगम, नाम भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, याद रहेगा. गुलबदन बेगम सिस्टर है उनके, उन्होंने हुमायूं नामा लिखे थे. हुमायूं नामा लिखे थे, आप देख सकते हो. ये 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उनका वाइफ का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम. हमीदा बानो बेगम को क्या कहा जाता है? हाजी बेगम भी कहा जाता है. ध्यान रखना, ये जैसे ही पढ़ते रहो ना वैसे ही याद करने की कोशिश करो. हम लोग सोचते हैं ना याद बाद में करेंगे, बाद में, बाद वाला चीज़ आता नहीं है, जो करना है अभी करना है. तो हमेशा माइंड में बोलते रहना है. ठीक है, हमीदा बानो बेगम जिनका नाम है हाजी बेगम, जो क्या बनाए थे, मतलब वाइफ ऑफ हुमायूं है, जो बनाए थे हुमायूं टॉम. ही क्रिएटेड द हुमायूं, ही बिल्ड द हुमायूं टॉम आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं. क्लियर है? उसके बाद और एक डाटा यहाँ पर है, हुमायूं नामा. ठीक है, हुमायूं नामा दैट इज ऑल अबाउट द बायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, ये बायोग्राफी होगा, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तभी होता है जब हम खुद के बारे में लिखते हैं. तो दिस इज बायोग्राफी अबाउट द हुमायूं, हुमायूं का बायोग्राफी है. एंड ये कौन लिखे थे? गुलबदन बेगम. ये नाम भी इंटरेस्टिंग है, याद रहेगा. दिस वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम. और गुलबदन बेगम कौन है? सिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं के सिस्टर है. ये कौन सा भाषा में लिखा गया था? पारसी भाषा में लिखा गया था. ध्यान रखना, बाबरनामा तुजुक के बाबरी कौन सा भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में. उसको ट्रांसलेट किए थे अब्दुल रहीम खान कौन सा भाषा में? पारसी भाषा में. उसको लिखा गया था पारसी भाषा में. ठीक है, उसके बाद द पुराना किला, जो पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुमायूं बट इट्स कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड बाय शेर शाह सूरी. हालांकि हुमायूं ने उसको शुरुआत किया था पुराना किला को, बट उसको कंप्लीट किए थे शेर शाह सूरी ने. क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद देखो 1533 में हुमायूं ने बनाया था दिन पनाहा. ठीक है, हुमायूं क्रिएटेड द दिन पनाहा, जो कि वर्ल्ड रिफ्यूजी सेंटर था. कहाँ पे? दिल्ली में था. ठीक है,
तो ही क्रिएटेड इन 15, ध्यान रखना, इन 1533 हुमायूं ने जो है एक मतलब बिल्ड ए सिटी जिनका नाम था दिन पनाहा, जो कि वर्ल्ड रिफ्यूजी के लिए था इन दिल्ली, फॉर द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी के रहने के लिए. ही डिक्लेयर दिन पनाहा टू बी द सेकेंड कैपिटल ऑफ एंड द फर्स्ट कैपिटल इज काबुल. तो दिन पनाहा को जो है सेकेंड राजधानी के हिसाब से घोषित कर दिए थे, पर ध्यान रखना उस टाइम पे फर्स्ट कैपिटल क्या था उनके लिए, फर्स्ट कैपिटल जो था वो है काबुल, वॉज द फर्स्ट कैपिटल, काबुल वॉज द फर्स्ट कैपिटल, ठीक है, काबुल वॉज द फर्स्ट कैपिटल. एंड द पीरियड फ्रॉम 1540, देखो ध्यान रखना, द पीरियड फ्रॉम 1540 टू 55 इज नोन एज द पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल एम्पायर. एक्सप्लेन, ये सवाल भी मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, यही सवाल मेंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि मुगल दौरा में, मुगल काल में 1540 से लेकर 1555 तक उसको टेम्पररी मतलब पीरियड ऑफ टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल कहा जाता है. मतलब एक तरफ से मुगल साम्राज्य का एक दुख, मुगल साम्राज्य का एक अमावस्या, मुगल साम्राज्य का एक खराब दिन कहा जाता है. क्यों? सिंपल सी बात है, क्योंकि इसी बीच में 1540 देखो उससे पहले 1540 टू 55 उससे पहले देखो आप देखो डेट देखो कि यहाँ पर जो है 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था, 39 में हुआ था, 40 में हुआ था, और 40 में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं जो है मुगल हैं, शेरशाह सूरी मुगल नहीं है, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था. हराने के बाद जो है हुमायूं चले गए थे, ईरान को चले गए थे, ही स्टे देयर इन एग्जाइल फॉर द 12 इयर्स. फिर 3 साल अपना आर्मी को सशक्त किए थे, मतलब इंडिया में नहीं रूल कर पाए थे. उसी बीच में कौन कौन रूल किए थे, शेरशाह सूरी, उसका बेटा सिकंदर शाह सूरी, ये सब रूल किए थे. तो मुगल, ये शेरशाह सूरी या उनका बेटा मुगल नहीं है, इसलिए मुगल काल के लिए ये टाइम जो है मतलब एक तरफ से टेम्पररी एक्लिप्स ऑफ द मुगल्स भी कहा जाता है, फ्रॉम द 1540 टू 1555, क्योंकि उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिए थे, हुमायूं ईरान चले गए थे, उसके बाद उनका बेटा ने रूल किए थे सिकंदर शाह, तो मतलब मुगल्स ने रूल नहीं किया था, क्लियर है पॉइंट. उसके बाद आता है शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी का देखो, शेरशाह सूरी के बारे में एक चीज बता दूं, नो डाउट शेरशाह सूरी रूल फॉर द 5 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम 1540 से लेकर 1545, बट शेरशाह सूरी वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर. और नो डाउट शेरशाह सूरी जो है मुगल के नहीं थे, बट शेरशाह सूरी इतिहास में उनका मतलब दर्ज होगा, इसलिए क्योंकि शेरशाह सूरी ने 5 साल में भी बहुत कुछ कर दिया था, जिन्होंने 50 साल में, 40 साल में, 30 साल में उतना नहीं कर पाए थे. पहला सिस्टम है कि पहले क्या होता था, जमींदारी सिस्टम वाज देयर, ठीक है, पहले जो चीजें होता था वो जमींदारी सिस्टम होता था. जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक्सप्लोइटेशन सबसे ज्यादा होता था, जाहिर सी बात है, जमींदार को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, वो जितना ज़्यादा फार्मर से एक्सप्लोइट करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोइट करेंगे उनको इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा. तो जमींदार का काम हुआ करता था फार्मर से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, उसके बाद कुछ हिस्सा वो रखेंगे, कुछ हिस्सा राजा को देंगे, क्लियर है पॉइंट. तो जमींदारी सिस्टम वाज देयर, तो उन्होंने ये किया कि जमींदारी सिस्टम को हटा दी थी, ही रिमूव द जमींदारी सिस्टम. एंड उन्होंने क्या किया था कि जमींदारी सिस्टम को हटाने के बाद एक जमीन का जो है लैंड टैक्स फिक्स कर दिया था. लैंड टैक्स फिक्स कर देना का मतलब क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/3 जो है राजा को दोगे, ठीक है, राजा को कितना दोगे, जिसको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी कहा जाता है, राजा को कितना दोगे, 1/3, क्योंकि अब जो है जमींदार नहीं रहेंगे, डायरेक्टली पीजेंट राजा को देगा, और कितना देगा, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, उससे पहले ज़्यादा लिया जाता था, ठीक है. उसके साथ साथ उन्होंने अपने जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, उसको भी काफ़ी सुदृढ़ किया था, मजबूत किए थे उस टाइम पे, ठीक है. उसके साथ साथ उन्होंने कई सारे एरिया को कैप्चर किए थे, जैसे कि राजस्थान है, मलवा है, मारवाड़ है, चित्तौड़ है, कलिंजर है, तो बहुत सारे एरिया को कैप्चर किए थे. और उन्होंने एक चुनार फोर्ट भी बनवाया था, चुनार फोर्ट, उसके बाद चुनार फोर्ट बनवाए थे, चुनार फोर्ट दैट इज इन यूपी. बनाने के बाद चुनार फोर्ट के जो गवर्नर जनरल थे और उनका वाइफ जो थे लैड मलिक का, उनसे शादी किए थे. और आज तक भी जो इंडियन करेंसी है रुपया, तो उन्होंने ही नाम दिया था, इंडियन करेंसी का नाम दिया था रुपया. और उससे पहले नापने के लिए और तोलने के लिए एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट नहीं होता था, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होती थी. उन्होंने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि ऑल ओवर इंडिया में नापने के लिए तोलने के लिए एक ही चीज़ें होगा, मतलब 1 kg का मतलब 1 kg है, अलग अलग जगह पे 1-1 kg अलग अलग नहीं होगा वेट, 1 liter मतलब 1 liter, लाइक दिस, नापने और तोलने का चीज़ें फिक्स कर दिया था. और उन्होंने पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था,
और एक बेहतरीन काम की थी उन्होंने कि मुकदमा सिस्टम, मुकदमा जो जुडिशियल, आज के डेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान सकते हो, आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम क्या है? टू गिव द जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जजमेंट देना। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मान सकते हो एक मुकदमा बनाए थे जिसका काम था कि लोगों को न्याय देना। और सबसे बेहतरीन काम उन्होंने किया था, जीटी रोड बनवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड उन्होंने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड उस टाइम का सबसे लॉन्गेस्ट रोड में से काउंट होता है। आज के डेट में NH1 और NH2 मिला के भी जीटी रोड से बड़ा नहीं है, जीटी रोड उससे बड़ा है। क्लियर है? पर ये सब चीज़ें जो है शेर शाह सूरी के टाइम पे हुआ था, आप देख सकते हो। तो शेर शाह सूरी जो है 1540 से लेकर 45 तक रूल किए थे, ठीक है। एंड ही रूल फॉर द 5 ईयर एंड ही वॉज फेमस। 5 साल तक उन्होंने रूल किया था और ही वॉज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, प्रशासन के लिए और उसका जो है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में क्या है? उन्होंने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया था, मैंने बताया था अभी, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया था एंड इंट्रोड्यूस ए न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया था। वो सिस्टम क्या है कि अकॉर्डिंग टू द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम फार्मर एंड फिजन हैड टू गिव 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन एज द टैक्स। कितना देंगे? 1/3 देंगे, 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। पहले क्या होता था कि जो 1/3 के जगह पे ज़्यादा देना पड़ता था, अब जो है जमींदारी सिस्टम को हटा के जितना भी होगा 1/3 जो है राजा को टैक्स के हिसाब से देंगे। और आज के डेट में देखो, और एक चीज़ है, शेर शाह स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजरमेंट। तो नापने के लिए और तोलने के लिए ऑल ओवर इंडिया में एक चीज़ें बनवाए थे। अगर आप मूवी देखे हो ऋतिक रोशन का महेंजोदारो, महेंजोदारो में क्या होती थी, अलग अलग पत्थर के हिसाब से वो नापते थे, तोलते थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग पत्थर हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया में 1 kg मतलब 1 kg है, किसी का बड़ा किसी का छोटा नहीं होगा। तो वेट एंड मेजरमेंट ऑल ओवर इंडिया में वो सेम किए थे। उसके साथ साथ ही इशू द फर्स्ट रुपया फ्रॉम टाका। तो जो आज के डेट में भी इंडिया का करेंसी जो है रूपी है, रुपया है, दैट वॉज टेकन फ्रॉम दिस। एंड ऑल्सो रीऑर्गनाइज द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने पोस्टल सिस्टम का जो है रीऑर्गनाइज किया था पोस्टल सिस्टम का, ठीक है। शेर शाह कैप्चर चुनार पोर्ट, फिर चुनार पोर्ट को उन्होंने कैप्चर किया था। चुनार पोर्ट कहाँ पे है? दैट इज इन यूपी एंड मैरिड विथ लैड मलिका। और लैड मलिका कौन है? प्रीवियसली वाइफ ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ चुनार पोर्ट, गवर्नर जनरल ऑफ चुनार फोर्ट के वाइफ जो थे लैड मलिका थे, ठीक है। उस टाइम पे बहुत चीजें चलता था, आप सामने वाले को हराते हो तो उसका सब संपत्ति तुम्हारा हो जाता है, मतलब इंक्लूडिंग वाइफ, उस टाइम पे वो चीजें चलता था। तो शेर शाह सूरी ने गवर्नर जनरल को हराने के बाद चुनार पोर्ट कैप्चर किए थे, उसके बाद उनके वाइफ जो है लैड मलिका उनसे शादी कर लिया था। देन अब वो सिस्टम नहीं है बेटा, अब वो सिस्टम नहीं है, अब जो है जेल भी हो सकता है, ध्यान रखना, तो अपना अपना है। देन ही कैप्चर, देखो 1542 में मलवा दैट इज राजस्थान, 1542 में रथम्बर दैट इज राजस्थान, 1542 में मारवाड़ दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान, 1544 में चीतर दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान, और 1545 में कलिंजर दैट इज इन MP, ठीक है। तो ये सब एरिया पे उन्होंने कैप्चर किया था। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि उस टाइम पे राजा सबका भी रानियाँ, बहुत सारे रानियाँ हुआ करती थी, बहुत सारे, ठीक है। अब बहुत सारे रानियाँ वाला सिस्टम है नहीं, आपके एक ही हैं। एनीवे, देन 1542 में मलवा, ये चीज़ें ध्यान रखना, मलवा, रथम्बर, मारवाड़, चित्तौर और क्या है, कलिंजर है। तो ये सब एरिया को कैप्चर किए थे, कौन सा ईयर में कैप्चर किए थे ये भी याद रखना जरूरी है। 42 में तीनों हैं, मलवा, रथम्बर, मारवाड़, तीनों ही राजस्थान में है, याद रहेगा। देन चित्तौर 54 एंड देन कलिंजर MP 45, क्लियर है। और एक चीज, उन्होंने एक जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, उस जुडिशियल डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मुकदमा है, ठीक है। उस जुडिशियल डिपार्टमेंट का नाम क्या है? मुकदमा है। आज के डेट में भी जुडिशियल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? टू गिव जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस टू द पीपल, ठीक है। और सूरी फॉर द डेवलप हुमायून दीन पनाह, जो हुमायून ने क्रिएट किए थे, कौन सा था? दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह था जो बनाए थे, दीन पनाह सिटी, उसका नाम रख दिए थे शेरगढ़ एंड रिवाइव द सिटी, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र।
तो जो दीन पनाह था उसका नाम रखकर क्या कर दिया था, शेरगढ़ कर दिया था। एंड उन्होंने जो हिस्टोरिकल सिटी पाटलिपुत्र है उसको रिवाइव किए थे। देखो पाटलिपुत्र उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मगध एम्पायर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य एम्पायर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट इज गुप्त एम्पायर। तो पाटलिपुत्र का मतलब क्या है, दैट इज पटना। पाटलिपुत्र मतलब पटना, दैट इज इन बिहार, है ना। पाटलिपुत्र पटना, दैट इज इन बिहार। एंड एक और चीज है कि ग्रांड ट्रंक रोड, उन्होंने जो है ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड फ्रॉम द चित्तागोंग इन द फ्रंटियर ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट टू इंडिया, काबुल इन द अफगानिस्तान। मतलब ग्रांड ट्रंक जो है सबसे मतलब लंबा टाइम, आज के डेट में NH1 से लेकर NH2 अगर मिलके भी देखो, ध्यान रखना, ग्रांड ट्रंक रोड में आज के डेट में NH नेशनल हाईवे 1 प्लस नेशनल हाईवे 2 मिला के भी ग्रांड ट्रंक रोड उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा है। आप लोगों को तो NH के बारे में पता ही होगा शायद, है ना, NH के बारे में, ठीक है। रफली मैं बता देता हूँ NH के बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को याद रहेगा चीज़ें। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, रफली, जस्ट रफली, प्रॉपर्ली दिस इज मैप ऑफ इंडिया लग रहा है ना, मैप ऑफ इंडिया जैसा, बिल्कुल सही बात। चलिए ये है दिल्ली है, ये है मुंबई है, ये है चेन्नई है, ये है कोलकाता है ना। दिस आर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन दिल्ली। दिस इज दिल्ली, दिस इज मुंबई, दिस इज चेन्नई और दिस इज कोलकाता, है ना। ये है NH2 है, और दिल्ली टू अमृतसर ये है NH1, ये अमृतसर है, ये अमृतसर है, ये वाला पॉइंट जो है अमृतसर, ये दिस इज अमृतसर, ठीक है। सो NH1 जो है ध्यान रखना, NH1 दिल्ली टू अमृतसर और NH2 जो है देखो दिल्ली टू कोलकाता टू दिल्ली, NH3 दिस इज आगरा टू मुंबई, NH4 थाने मुंबई टू चेन्नई और थाने टू चेन्नई, NH5 चेन्नई टू कोलकाता। तो सिंपली याद रखना सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसलिए ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना, फर्स्ट तो दिल्ली और अमृतसर याद रहेगा, देन उसके बाद कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये देखो सिक्स्थ है, मुंबई टू कोलकाता सिक्स्थ है, और वाराणसी टू कन्याकुमारी ये जो है सात है। दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट NH और उसका डिस्टेंस है 2369 किलोमीटर, सेकेंड एंड लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट है दैट इज जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, फर्स्ट वाला श्रीनगर टू कन्याकुमारी जो है फर्स्ट है आज के डेट में, दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट NH, ठीक है, इतना याद करो अभी के लिए। तो जो GT रोड था यहाँ से लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली होके अमृतसर होके इस्लामाबाद होके इस तरफ था, ठीक है, पूरा टोटल था, मतलब ये भी था ये भी था देन ये भी था। तो इसलिए मैं बताया था आप लोगों को कि NH1 प्लस NH2 मिला के भी उससे बड़ा था GT रोड था, है ना, ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट द अकबर के बारे में। अकबर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अकबर सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा मेन रूलर जो है अकबर रहा है, बताऊंगा अभी, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। सबसे मेन रूलर जो रहा है वो है अकबर, ठीक है।
अकबर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रेलिवेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट है कि औरंगजेब जो है सबसे लॉन्गेस्ट रूलर है, नो डाउट 50 इयर्स, बट अकबर का भी ऑलमोस्ट 50 इयर्स है, कुछ महीना जो है उनका कम है। तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर द औरंगजेब, ठीक है, एंड बॉर्न टू हुमायून एंड हमीदा बानो बेगम एंड हिज गार्डियन वॉज बैरम खान। देखो हुमायूं तो डेथ हो गया था हुमायूं का जल्दी, उसके बाद हमीदा बानो बेगम एंड हुमायूं का बेटा जो है अकबर थे, बट उनको जो है सब कुछ संभालते थे वो है बैरम खान। बैरम खान के बारे में मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा, मस्ट अप्रिशिएट द बैरम खान, क्योंकि दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा वफादार जो थे बैरम खान थे। बैरम खान चाहते तो अकबर को मार सकते थे और वो सिंहासन में आ सकते थे आफ्टर डेथ ऑफ हुमायूं, बट उन्होंने अकबर को सिंहासन दिया था और वो सब कुछ संभाले थे। ये दुनिया का मतलब एक वफादार का सबसे बड़ा नमूना है बैरम खान, ठीक है। अब देखो अकबर का जो बन हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में उनका जन्म हुआ था इन द राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट, ध्यान रखना राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान विच वॉज रूल्ड बाय द महाराजा विराशला। तो जन्म देखिए उनका जन्म, ठीक है, राजपूत एम्पायर ऑफ अमरकोट इन पाकिस्तान, ठीक है, उस टाइम पे जन्म हुआ था जिस टाइम पे वो छोड़कर चले गए थे उस टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम वो लड़ाई के बाद है ना, उसके बाद चले गए थे। और अकबर बिकम द किंग एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में वो शासक बने थे, मतलब बहुत कम उम्र में वो ये शासक बने थे। कब बने थे देखो मैंने बताया था आप लोगों को 1556 14 फरवरी, है ना, 14 फरवरी मैंने बताया था आप लोगों को, 14 फरवरी मुगल एम्पायर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि अकबर बाबर जो है जन्म हुए थे 14 फरवरी में, अकबर जो है शासक बने थे 14 फेब में, जो वैलेंटाइन डे आप याद रहेगा, सिंपली वैलेंटाइन डे आप मनाते हो, तो अकबर जो है राजा बने थे और बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो देखो ये जो लड़ाई हुई थी 1556 में, एक लड़ाई हुई थी किसके बीच में, हेमू के बीच में और बैराम खान के बीच में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैराम खान, जिसको कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लड़ाई है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1526। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि 1556, तो 1526 में 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा याद रखोगे, 666 इज कमन, देख लो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 1576 दैट इज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, तो 666 इज द कमन हियर, पहला 30 साल देन 20 साल, ठीक है। इन दिस वे यू कैन एक डाटा के साथ दो तीन डाटा को आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी बैराम खान और मतलब बैराम अकबर की तरफ से बैराम खान और हेमू, तो हेमू का सेनापति भी अकबर के सेनापति से 10 टाइम्स ज़्यादा था। और जैसे ही हुमायूं का डेथ हुआ था, अकबर का फादर, ठीक है, तो बच्चा जो है 13 साल का बच्चा था, तो हेमू को लगने लगा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चांस है, तो मतलब जो है मुग़ल एम्पायर को अटैक किया जाए और मुग़ल एम्पायर को हराया जाए, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए वो अटैक कर दिया था। बट ये लोग प्लान्ड तरीके से हेमू को हराए थे, तो एक जो तीरंदाज हैं, जो एरो तीरंदाज वाले को हायर किए थे ताकि वो ऐसा मतलब तीर ये निशाना पे लगे कि उसके आँख में लगे, क्योंकि राजा जो है पूरा कपड़ा पहना हुआ था, तो वही वो सक्सेस उस प्लान में वो सक्सेस भी हुए थे। तो जिस तरह से हेमू को एक तीरंदाज अकबर का तीरंदाज ने मारा था, तो उसकी आँख में लग गई थी, तो उसका और डेथ हो गया था। डेथ होने के बाद सब में अफरा तफरी मच गई थी, फिर जो है ये लोग जीत गए थे, तो ये एक प्लान तरीके से उन्होंने जीता था। बट हेमू का सेनापति जो है 10 टाइम्स, सेना जो है 10 टाइम्स मोर देन अकबर, एंड अकबर बिकम द इंडिपेंडेंट रूलर एट द एज ऑफ 18 इन 1556। देखो 1556 में क्या हुआ था, अकबर जो है राजा बने थे, बट रीजेंट वॉज द बैराम खान, बैराम खान सब कुछ संभालते थे, बट अकबर को जब 18 साल हो गया एट द एज ऑफ 18 इन द 1556, उन्होंने बैराम खान को हटा के डायरेक्टली वो शासन करने लगे थे, ठीक है, मतलब बैराम खान को उन्होंने हटा दिया था, ठीक है, डिसमिसिंग द बैराम खान, मतलब उससे पहले बैराम खान वॉज द टेम्पररी रीजेंट, टेम्पररी किंग, बैराम खान को हटा के वो शासक बन गए थे, क्लियर है। एंड
लेटर ही मैरिड टू बैराम खान विडो दैट इज सलीम बेगम. बाद में उन्हें बैराम खान के विडो से शादी कर लिए थे. और 1561 में ही डिफीटेड द म्यूजिशियन सुल्तान ऑफ मलवा बाज बहादुर. 1561 में एक जो म्यूजिशियन सुल्तान थे बाज बहादुर को उन्होंने हराया था. और एक चीज़ और हुई थी उसके बाद, देखो 1562 में पहले क्या होता था, अगर दोनों राजा में लड़ाई होती थी तो सामने वाले को मार देते थे, जो राजा थे उसको मार देते थे, जो हारने वाला राजा, उसके साथ साथ उनके जो जितने भी सैनिक थे सबको जेल में डाल देते थे. अब ये क्या कि अगर सामने वाला अगर हार स्वीकार कर रहा है तो उसको जो है छोड़ दिए जाएंगे, और सामने वाला का जो सैनिक जो जेल में डाल देते हो जो है अपने लिए काम करेंगे. तो ये चीज़ें उन्होंने किया था 1562 में. बैन ऑन फॉसिबल कन्वर्सेशन ऑफ वर प्रिजनर इनटू द स्लेव्स एंड रिलीज द वर प्रिजनर. तो रिलीज द वर प्रिजनर, तो वर प्रिजनर थे जो हारे हुए थे उनको स्लेव बनाने के जगह पे उनको रिलीज कर दिया गया, बट शर्त यह है कि वो अपने अंडर काम करेंगे. क्लियर है पॉइंट. एंड 1562 में अकबर मैरिज हरकाबाई. देखो एनसीईआरटी किताब में कहीं भी जोधाबाई का नाम जो है जोधाबाई नहीं लिखा गया, ध्यान रखना एक चीज, जोधाबाई का नाम कहीं पर भी जोधाबाई मेंशन नहीं है, इट वाज ऑलवेज मेंशन द हरकाबाई. तो ध्यान रखना 1562 में वो शादी किए थे हरकाबाई से, जोधाबाई नहीं है, ध्यान रखना. हालांकि उनको जोधा पॉपुलरली उनको जोधाबाई कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी भी है, जोधा कहा जाता है उनको पॉपुलरली, बट उनका एक्चुअली नाम जो है हरकाबाई था, ध्यान रखना. एंड राजपूत प्रिंसेस ही वॉज लेटर नोन एज द मरियम उल जमानी, उसका नाम था मरियम उल जमानी, बाद में उनका नाम दे दिए गए थे और उसको जोधाबाई भी कहा जाता है, बट सेम है ये, हरकाबाई और जोधाबाई अलग नहीं है, सेम है, बट एनसीईआरटी किताब के हिसाब से इट्स हरकाबाई होगा, ध्यान रखना जोधाबाई नहीं होगा, ठीक है. एंड एक ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आएंगे. देखो पहला चीज़ क्या है कि पहले क्या था, पिलग्रिम पे टैक्स लगता था. पिलग्रिम टैक्स का मतलब है हिंदुओं को कहीं तीर्थ यात्रा जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उन्होंने 1563 में वो पिलग्रिम टैक्स को हटा दिया था. उसके बाद एक जजिया नाम का रिलीजियस कर हुआ करता था, जजिया मतलब जो मुसलमान नहीं है वो जो है राजा को कर देंगे, दोज जो मुसलमान नहीं है चाहे वो हिंदू चाहे वो क्रिश्चियन चाहे वो सिख, ये लोग जो है राजा को कर देंगे. तो ये चीज़ें जजिया कर को उन्होंने हटा दिया था. देखो जजिया कर की शुरुआत जो है सबसे पहले मतलब ऑलरेडी हो चुका था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पे शुरुआत कर दी थी जजिया कर, ठीक है जजिया कर. तो उन्होंने छूट रखा था महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, और जो ब्राह्मण से वो टैक्स नहीं देंगे. फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसके ऊपर री इम्पोज किया था कि जजिया कर लगेगा, अब महिलाएं भी और ब्राह्मण भी और जो बच्चे हैं वो भी टैक्स देंगे. बट अकबर ने क्या किया था, जजिया कर को हटा दिया था, अब कोई टैक्स नहीं देगा जजिया कर, ठीक है. तो ये चीज़ें ध्यान रखना. उसके साथ साथ 1572 में गुजरात कैप्चर करने के बाद उन्होंने फतेहपुर सिकरी द सिटी ऑफ विक्ट्री का एस्टैब्लिश किया था, ठीक है. तो ये पॉइंट सब याद रख लेना कि 1563 में अकबर क्या कहते, अकबर एबोलिश द पिलग्रिम टैक्सेस, अकबर ने पिलग्रिम टैक्सेस को हटाया था, जो तीर्थ यात्री पे जो कर लगता था उसको हटाया था. उसके बाद देखो अगले ही साल में 1564 में जो जजिया कर मतलब क्या होती है, नॉन मुस्लिम टैक्स है, ठीक है. जजिया कर इज द रिलीजियस टैक्स, नॉन मुस्लिम टैक्स, ठीक है, उसको जो है हटा दिए थे, ठीक है. एंड जजिया वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, विच वॉज कॉल्ड दैट खिराज आई जजिया. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शुरुआत किए थे, खिराज आई जजिया, ठीक है. उसके बाद हालांकि फिरोज शाह तुगलक, तो खिराज आई जजिया जो था उस टाइम पे ध्यान रखना, जजिया कर में कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ और ब्राह्मण्स के खिलाफ जजिया कर नहीं लगता था. बाद में जब फिरोज शाह तुगलक ये सबके, फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर को रिवाइज किया था, उन्होंने क्या किया था, महिलाओं बच्चे और ब्राह्मण्स के खिलाफ भी टैक्स लगाती थी, बट अकबर ने क्या किया था, सबको हटा दिए थे, ठीक है. देन 1572 में अकबर कैप्चर द गुजरात एंड मेमोरी ऑफ दैट बिल्ड फतेहपुर सिकरी, गुजरात को कैप्चर किए थे उसके मेमोरी में उन्होंने फतेहपुर सिकरी बनाया था. कहाँ पे है, आगरा में, सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, ठीक है. द अर्ली नेम ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज द सिटी ऑफ सिकरी, ठीक है. उसके बाद बुलंद दरवाज़ा, द ग्रेट वे ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज ऑल्सो बिल्ड बाय अकबर, बुलंद दरवाज़ा भी उन्होंने बनवाया था, जो फतेहपुर सिकरी आपने देखा होगा.
और 1575 में अकबर कंस्ट्रक्टेड ए प्रेयर हाउस इन द फतेहपुर सिकरी नोन एज इबादत खाना, ठीक है, एक प्रेयर हाउस बनाए थे इबादत खाना फतेहपुर सिकरी के अंदर। उसके बाद जो है अकबर बिल्ड आगरा फोर्ट, अलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट, ये तीनों फोर्ट बनवाए थे, ए फॉर आगरा, ए फॉर अलाहाबाद और एक ध्यान रखना लाहौर फोर्ट, ये अकबर बनाए थे। और एक है उन्होंने तोड़रमल बंदोबस्त, जिसको जब्ती सिस्टम भी कहा जाता है, टैक्स कलेक्शन करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए ये चीज़ें बनाया था, तोड़रमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम, ठीक है। एंड उन्होंने 1571 में ही स्टार्टेड द फेमस मानसबदारी सिस्टम। देखो मानसबदारी सिस्टम क्या है, जिस प्रकार से टोडरमल बंदोबस्त, और देखो टोडरमल बंदोबस्त जब्ती सिस्टम क्या है, ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए था कि रेवेन्यू कलेक्ट होता था और उनको प्रोटेक्शन दिए जाते थे। उस सिस्टम उसके उसी सेम प्रकार के 1571 में मानसबदारी सिस्टम वाज देयर। मानसबदारी सिस्टम मतलब क्या है कि जिस जिस प्रकार से आज के डेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, कलेक्टर है, तो उस प्रकार से हर एक एरिया को डिवाइड कर दिए जाते थे, उनके जो हेड को मानसब कहा जाता था। मानसब का काम है कि टैक्स कलेक्ट करके राजा को अकबर को देना, और उसके बदले में अकबर क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन देते थे, क्योंकि अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो दूसरे वाले आके उसको अटैक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर टैक्स कलेक्शन राजा करते थे, उसके बदले में प्रोटेक्शन देते थे। तो मानसब, एक एरिया का हेड को मानसब कहा जाता था, जो 1571 में हुआ था उस सिस्टम को कहा जाता है मानसबदारी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद 1576 में बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुआ था मानसिंह एंड महाराणा प्रताप के बीच में, ठीक है, तो जिसमें महाराणा प्रताप जो है हार गए थे, मानसिंह जो है अकबर के सेनापति हैं, ठीक है। तो 1576 में जो बैटल हुआ था, मैंने बताया था आप लोगों को 1576 बैटल ऑफ हल्दीघाटी ये, ठीक है। देन किसके बीच में, मानसिंह एंड महाराणा प्रताप के बीच में, किंग ऑफ मेवाड़ थे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को यहाँ पर मानसिंह जो है सेनापति थे, अकबर ने हरा दिए थे। और एक चीज़ हुआ था 1580 में, द फर्स्ट जुरिस्ट मिशनरी अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर, जुरिस्ट मिशनरी जो है अकबर के कोर्ट में आए थे। और 1585 में क्या हुआ था, राल फिच, ध्यान रखना ये पॉइंट, राल फिच नाम का फर्स्ट इंग्लिश मैन ही केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर। राल फिच, देखो उसको हालांकि व्यवसायिक पर्पस में नहीं हुआ था, बट राल फिच वॉज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया इन द कोर्ट ऑफ अकबर। हालांकि उसके बाद बिजनेस के लिए जो है अकबर से परमिशन लिया जा रहा था, बट अकबर ने पूरी तरह से बिजनेस पर्पस में मना कर दिए थे, बट राल फिच आए थे केवल अकबर के कोर्ट में, क्लियर है, बट उनको परमिशन बिजनेस वगैरह नहीं मिला था। उसके बाद एक दीने इलाही वाला कंसेप्ट उन्होंने शुरुआत की थी डिवाइन फेथ के लिए और यूनिवर्सल शांति के लिए, यूनिवर्सल पीस के लिए, ठीक है। एक ऐसा रिलीजन जो कोई धर्म नहीं होगा, जैसे कि हिंदू मुस्लिम इस्लाम, ये धर्म नहीं होगा, नो रिलीजन, 1583 में उन्होंने क्रिएट किया था। और जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहाँ पर फाउंड हुआ था, देखो इंग्लैंड में हुआ था, लंदन में हुआ था 1600 में, भारत आए थे 1609 में, बट गठन किया गया था 1600 में। तो किसके टाइम पे गठन हुआ था तो पूछा जाए तो अकबर होगा, ठीक है। और 1604 में पुर्तगीज जो है तंबाकू का इंट्रोड्यूस किए थे भारत में अकबर के कोर्ट में। तो ये तीनों पॉइंट याद रख लेना, 1583 में अकबर एक नया धर्म की शुरुआत हुई थी, किस चीज़ के लिए किए थे, यूनिवर्सल पीस के लिए उन्होंने किया था, उस कंसेप्ट को कहा जाता है दीने इलाही। मतलब आज के डेट में जैसे नो रिलीजन कॉलम है, कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब सो दैट की विश्व शांति के लिए वो उन्होंने किया था। उसके बाद 1600 में अकबर वाज अ मुगल एम्पायर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिगन। ध्यान रखना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1600 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये चीज़ें ध्यान रखना, लंदन में हुआ था, लंदन में, दैट इज इन इंग्लैंड में हुआ था। बट भारत जो आए थे वो 1609 में आए थे, ध्यान रखना, किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, नॉट द टाइम ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पे गठन हुआ था, बट आए थे भारत जहांगीर के टाइम पे, ये चीज़ें ध्यान, उनका बेटा जहांगीर, ठीक है। देन 1604 में क्या हुआ था, द पुर्तगीज इंट्रोड्यूस द टबाको, तंबाकू का इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम अकबर के कोर्ट में, तंबाकू का पुर्तगीज, ये चीज़ें भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो नवरत्न अकबर, जिसको नवरत्न का मतलब क्या है, नाइन ज्वेल्स ऑफ अकबर कहा गया है, दैट इज नोन एज द नवरत्न ऑफ अकबर। नाइन ज्वेल्स में से आप देख सकते हो, सबसे पहला बीरबल, वो है चीफ एडवाइजर थे, उसके साथ साथ वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे,
देन कोर्ट जस्टर ऑफ अकबर एंड रियल नेम उनका क्या था, महेश दास, वो बीरबल जो है हिंदू थे, ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड जो है राजा टोडरमल, ठीक है। टोडरमल कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, क्लियर है पॉइंट। और इट वाज आल्सो रेवेन्यू, ही वाज आल्सो रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ शेरशाह सूरी बिफोर अकबर कोर्ट, अकबर कोर्ट से पहले शेरशाह सूरी के रेवेन्यू मिनिस्टर वो थे। उसके बाद जो है मियाँ तानसेन, ठीक है, ये तो सबको पता होगा, ही वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन, उनका नाम था राम थाने पांडो भी था, तो ही कंपोज राग राज दरबारी ऑनर ऑफ द अकबर, एंड उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है इतना उनका अच्छा सुर था, तो वो गाते थे तो बारिश हो जाती थी, दिया जल जाते थे, ये उनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। हालांकि वो सच है नहीं है वो अलग बात है, उनके बारे में कहा जाता है। एंड उसके बाद जो है महाराजा मान सिंह, अकबर मिलिट्री हेड, जो सेनापति थे, ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप को हराए थे बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। उसके बाद देखो अव्वल फैजल, ये इंपॉर्टेंट रहे हैं, अव्वल फैजल वो एक पोएट थे, कोर्ट पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर, पोएट राइटर और स्कॉलर, और जिन्होंने अकबर का बायोग्राफी लिखा था, दैट इज नोन एज आईने अकबरी, जिसको अकबरनामा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो अकबरनामा किसने लिखे थे, अव्वल फजल ने, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, अकबरनामा। उनका भाई का नाम क्या है, अबुल फैजी है, उनका भाई का नाम है अबुल फैजी, वो भी पोएट राइटर एंड स्कॉलर थे, ठीक है, एंड पर्शियन पोएट एंड ब्रदर ऑफ अबुल फैजी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेटेड महाभारत इनटू द पारसी लैंग्वेज, महाभारत को पारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे, एंड उनका नाम दिया था रजमनामा, रजमनामा महाभारत को, ठीक है। एंड भास्कराचार्य मैथमेटिकल वर्क लीलावती इनटू द पर्शियन, भास्कराचार्य का मैथमेटिकल वर्क लीलावती इनटू द पर्शियन उन्होंने ट्रांसलेट किया था। उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खान, जिनका बेटा है बैरम खान, अब्दुल रहीम खान जिनका बेटा कौन है, बैरम खान है, ही वॉज द ओनली हिंदी पोएट इन द कोर्ट ऑफ अकबर। उसके बाद देखो मुल्ला दो प्याजा एंड फैजी फकीर अजियोद्दीन, मुल्ला दो प्याजा एंड फकीर अजियोद्दीन दोनों ही क्या हैं, रिलीजियस एडवाइजर हैं, दोनों ही रिलीजियस एडवाइजर हैं, क्लियर है पॉइंट। तो दिस आर द नवरत्न, ध्यान रखना नवरत्न, फिर से एक बार नाम देख लो, सबसे पहला है बीरबल, देन टोडरमल, देन उसके बाद है तानसेन, देन उसके बाद है मान सिंह, देन अबुल फैजल, अबुल फैजी, दोनों फैजल और फैजी दोनों अलग अलग हैं, दोनों भाई हैं। उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खान, मुल्ला तो फियाजा, फकीर अजियुद्दीन, ठीक है, दिस आर द नाइन ज्वेल्स, ठीक है। अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है, बट डोंट कन्फ्यूज विद दैट थिंग, ठीक है। और उन्होंने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट की थी, अकबर स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, दैट इज संस्कृत इन टू द पर्शियन वाला एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। और अकबर का डेथ हो गया था इन द ईयर 1605 में, कहाँ पे, एंड ही वॉज बरीड एट सिकंदरा नियर अकरा, अकरा के पास उनको। अब देखो एक और चीज हुई थी अकबर के टाइम पे, अकबर का राजपुताना पॉलिसी ऑफ अकबर, जब भी हम अकबर का राजपुताना पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो अकबर का जो राजपुताना पॉलिसी है, राजपूत के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा था, और ये जानबूझकर ही अकबर का राजपूताना पॉलिसी किए थे, ताकि उनको पता था कि राजपूत जो है वॉरियर्स हैं, फाइटर क्लास हैं, राजपूत से पंगा लेना, इंडिया में रहना है तो राजपूत से पंगा ले ही लेना चाहिए, ये चीज़ें अकबर को समझ में आ गया था। और उन्होंने क्या की थी, राजपूत के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाया था, ठीक है। वो खुद ही शादी किए थे राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई से, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम में यूनिटी हो गया था, उससे पहले हिंदू मुस्लिम शादी नहीं करते थे, इंटर रिलीजन मैरिज होने लगा। देन उसके साथ साथ अकबर का मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, क्योंकि राजपूत ने उनको सपोर्ट किए थे। उसके साथ नॉन मुस्लिम टैक्स जैसा कर वो उन्होंने हटा दिया था। तो ये था रिजल्ट ऑफ राजपूताना पॉलिसीज, मतलब एक अच्छी शुरुआत मान सकते हो राजपूताना पॉलिसीज का। एंड अकबर के टाइम पे जो वन ऑफ द ग्रेट पोएट जो हुआ करते थे, जो है तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा है, वो अकबर के टाइम के थे। एंड अकबर इज कंसिडर्ड टू द रियल फाउंडर। देखो वैसे तो फाउंडर बाबर हैं, बट एक्चुअली मैं उसके बाद बाबर जो है ऑलमोस्ट 1526 से 1530 तक, फिर उसके बाद हुमायूं आए थे 1526 to 1530 then 1530 to 1540, एंड देन 6 महीना, फिर तो 1-10 साल, 1-4 साल। तो रियल फाउंडर जो है 50 साल तक जिन्होंने रूल किया था वो है अकबर। अकबर में एक्चुअली मुगलिया दौर का नीम रखा था मेनली, ठीक है। तो रियल फाउंडर अगर होती है तो अकबर होगा, फाउंडर होती है तो बाबर होगा, ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु डाइवर्स रिलीजियंस इनटू द पॉलिटिक्स, हु डाइवर्स द मतलब रिलीजन एंड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और धर्म को उन्होंने अलग किया था। एंड बीरबल वॉज किल इन द बैटल विद द यूसुफाई ट्राइब इन 1586। एंड उसके बाद देखो अब्दुल फजल वॉज मर्डर, अबुल फजल जो राइटर है वॉज मर्डर बाय बीर सिंह बुंदेला इन 1601।
एंड अकबर गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज पर्शियन. ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज उनका कंट्रीब्यूशन था. ठीक है, और अकबर जो है बहुत सारे एरिया पे कैप्चर किए थे, बहुत सारे एरिया पे अकबर जो है कैप्चर किए थे. देन उसके बाद अकबर कंक्वेस्ट. ठीक है, 1560 से 1562 में कैन कंक्वेस्ट किए थे मध्य प्रदेश मलवा, 1561 में दैट इज चुनार यूपी, 1568 में दैट इज चित्तौर राजस्थान, 1569 में रथम्बोर दैट इज राजस्थान, 1578 मारवाड़ दैट इज राजस्थान, 1572 गुजरात एंड 1574 टू 76 दैट इज बंगाल बिहार. ठीक है, उसके साथ देखो 1576 में हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के साथ लड़ाई, 1581 में काबुल, 1585 टू 86 कश्मीर, 1590 टू 91 सिंध, 91 टू 92 ओडिशा, 95 बलूचिस्तान, 97 टू 16 अहमदनगर और 61 असुरगढ़. ठीक है, तो ये था अकबर का जो कैप्चर किया था वो एरियाज था. ठीक है, तो अभी मैं जस्ट 2 मिनट का 3 मिनट का मैं ब्रेक लूँगा. ठीक है, 3 मिनट का ब्रेक है. उसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट द क्लास. आज मुगल एम्पायर को ख़त्म करना है, अभी 3 मिनट का ब्रेक है, 3 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ. उसके बाद फिर आई विल स्टार्ट द मुगल एम्पायर. आज ख़त्म करना है मुगल एम्पायर को. ठीक है, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करूंगा. बी रेडी, अब तक जो मैंने पढ़ाया ना थोड़ा सा रेडी हुई है 3 मिनट में. उसके बाद क्वेश्चन पुटअप करूंगा, देन आई विल स्टार्ट दिस.
यस यस, इस टॉपिक का पीडीएफ जो है आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ये टॉपिक जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे, टॉपिक का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इनफैक्ट मोर देन दिस टॉपिक, पूरा मेडिवल हिस्ट्री का टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि इस टॉपिक का पीडीएफ, जैसे कि कुछ बच्चे लिखे हैं, मैसेज किए हैं कि पीडीएफ चाहिए, इस टॉपिक का पीडीएफ आपको ज़रूर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो नीचे लिंक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे नीचे लिंक है, आप उस लिंक में ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ साथ मध्यकालीन भारत का टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो कुछ सवाल पुटअप करूँ, बताओ, कुछ पूछूँ मैं, अब तक जो पढ़ा है मैंने कुछ पूछूँ, ठीक है, कुछ पूछता हूँ सवाल, चलिए बताइए, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत कौन सा ईयर में हुआ था, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट क्विकली बताइए, बैटल ऑफ पानीपत कौन सा ईयर में हुआ था, पानीपत की लड़ाई कौन सा ईयर में हुआ था, फटाफट बताइए। यस, 1526 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था बताइए, बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में? यस, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही। देन उसके बाद बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था, बैटल ऑफ खानवा, खानवा कब हुआ था? यस, 1527, 15, किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ खानवा, किसके बीच में हुआ था, फटाफट 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 आंसर दो, किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ खानवा? यस, बाबर एंड राणा संगा के बीच में, बाबर एंड राणा संगा के बीच में है ना, 15, दैट इज 27 में। और 1528 में कौन सा बैटल है, 1528 में कौन सा बैटल है, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी किसके बीच में हुआ था, बाबर एंड, बाबर एंड, बताओ बताओ फटाफट फटाफट, बाबर एंड मेदिनी रॉय, मेदिनी रॉय। देन बैटल ऑफ घाघर कब हुआ था, 29, 1529, यस, किसके बीच में, बाबर एंड, बाबर एंड मोहम्मद लोधी के बीच में, यस। तुजुक ए बाबरी कौन सा भाषा में लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी कौन सा भाषा में लिखी गई थी बताओ फटाफट बताओ, यस, तुर्किस लैंग्वेज में, बिल्कुल सही बात है। उसको किसने ट्रांसलेट किया था पारसी लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट किसने किया था पारसी लैंग्वेज में बताओ फटाफट फटाफट, पारसी लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया, अब्दुल रहीम खान, यस। मैडम बेवरीज कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे, मैडम बेवरीज कौन सा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे, यस, दैट इज इन इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, यस यस। बाबरी मस्जिद किसने बनाया था, बाबर ने बनाए थे, बट जो कमांडर कौन थे, कमांडर मीर बाकी, मीर बाकी वॉज द कमांडर है ना, यस। नॉन मुस्लिम टैक्स को क्या कहा जाता है, अकबर ने जो हटाए थे, नॉन मुस्लिम टैक्स अकबर ने जो हटाए थे उसको क्या कहा जाता है, यस, जजिया कर, जजिया कर। और जजिया कर सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, फॉर द फर्स्ट टाइम हु इंट्रोड्यूस द जजिया कर, फर्स्ट टाइम किसने शुरुआत किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, यस। तो किनके खिलाफ, कौन कौन से खिलाफ उन्होंने छूट रखा था जजिया कर, यस, बच्चे, महिलाओं और ब्राह्मण के खिलाफ। फिर ये तीनों के खिलाफ किसने लगाया था जजिया कर आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक, यस यस यस, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और पिलग्रिम टैक्स भी उन्होंने हटाए थे है ना। अच्छा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कौन सा ईयर में हुआ था बता था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 1556, और बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, 1576 है ना। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एक तरफ से अकबर बैराम खान और दूसरे तरफ से कौन थे, दूसरे तरफ से थे हेमू, हेमू 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 हेमू,
बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था? यस, अकबर की तरफ से कौन थे? मान सिंह थे, और महाराणा प्रताप दूसरे तरफ से थे, मेवाड़ के राजा थे, है ना? मेवाड़ के राजा थे। यस अच्छा, शेर शाह सूरी किस चीज के लिए फेमस थे? शेर शाह सूरी किस चीज के लिए, और क्या क्या बनवाए थे, क्या क्या किए थे अपने टाइम पे, बताओ। पहला तो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, है लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। देन उसके बाद है रुपया, उसके बाद है मुकदमा। यस मुकदमा किए थे, पोस्टल सिस्टम को रिवाइज किए थे, है ना? चुनार फोर्ट को कैप्चर किया था और लैंड मलिका से शादी किए थे। देन जीटी रोड बनवाए थे, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे। अच्छा एक चीज बताओ, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा जो है किसने लिखे थे? हु रोट हुमायूं नामा? हुमायूं के सिस्टर, क्या नाम है उनका? यस गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं टॉम किसने बनवाए थे? हुमायूं टॉम किसने, हु क्रिएटेड द हुमायूं टॉम? हुमायूं के वाइफ, यस हाजी बेगम, हाजी बेगम है ना, हाजी बेगम। ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पे गठन हुआ था? 1600 में गठन हुआ था, किसके टाइम पे होगा? अकबर के टाइम पे होगा। तुलसीदास किसके टाइम पे थे? तुलसीदास जो है कौन से रूलर के टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे ही होंगे। देन बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ कनौज कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था? बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ कनौज किसके बीच में हुआ था और कौन जीता था? शेर शाह सूरी एंड हुमायूं के बीच में, जिसमें जीते थे, यस यस हुमायूं, हुमायूं जीते थे, मतलब हुमायूं हार गए थे, शेर शाह सूरी ने जीता था। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ मच्छीवारी कौन सा ईयर में हुआ था? 1555, 1555 किसके बीच में? बैटल ऑफ मच्छीवारी, शेर शाह का बेटा सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और हुमायूं के बीच में। ठीक है, शेर मंडल से उनका डेथ हो गया था, है ना? अच्छा, लॉन्गेस्ट रूलर इन द मुगल एम्पायर कौन है? लॉन्गेस्ट रूलर, सबसे ज्यादा टाइम तक रूल शासक करने वाला रूलर कौन है? औरंगजेब है ना? औरंगजेब है। औरंगजेब के बाद कौन है? अकबर है। औरंगजेब के बाद कौन है? अकबर है, अकबर है। अच्छा, कौन बता सकता है बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में एक तरफ तो थे इब्राहिम लोधी और एक तरफ थे चारों लोग थे, चारों लोगों का राजा का जिसने नाम बता दिया उसका सिलेक्शन पक्का है। चलिए एक तरफ, एक तो मैं बता देता हूँ, बाबर, बाबर को कौन कौन सपोर्ट किए थे बताओ, जिसने बता दिया उसका सिलेक्शन पक्का है। बाबर एक है, उसके बाद दौलत खान लोधी जो कि बाबर को बुलाए थे, उसके बाद राणा संगा है ना, राणा संगा, उसके बाद जो है मोहम्मद लोधी। ठीक है, ये चारों एक तरफ थे और एक तरफ थे हमारे इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को हराया था। तो ये यही यही आप लोग आंसर भी बहुत अच्छा दे रहे हो, वेरी गुड फंटास्टिक, उसका मतलब है समझ में आ रहा है और याद हो रही है, ये बताता है, ये अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड, कीप इट ऑफ। चलिए अब हम लोग शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक, दैट इज जहांगीर। अब हम लोग बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर जो है अकबर का बेटा था, ठीक ना? अकबर और हरका बाई का जो बेटा है वो जहांगीर है। 1605 में वो शासन में आए थे, ठीक है? और जहांगीर का नाम जो था वो सलीम था, बट अकबर उसको शेख बाबा बोल के बुलाते थे, ठीक है? हालांकि उनका शादी जो हुआ था मेहरुन, मतलब मैं बताऊंगा अभी, जहांगीर जो कि मतलब नूर जहां के हिसाब से भी, मतलब जो शादी हुई थी जहांगीर का, ठीक है, मेहरुन निसा बाद में उनका नाम बन गया था, नूर जहान और नूर महल, ठीक है? तो जहांगीर केम टू द थ्रोन इन द ईयर 1605 में वो शासक बने थे। एंड जहांगीर वाज द सन ऑफ अकबर एंड हरका बाई। किनका बेटा थे? अकबर और हरका बाई का बेटा जो थे वो है जहांगीर थे। एंड अर्ली नेम ऑफ जहांगीर वाज सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था, बट अकबर उनको क्या बोलते थे? शेख बाबा बोल के बुलाते थे, ठीक है? और
उन्होंने शादी किया था मेहरुन निसा से, ठीक है। मेहरुन निसा हालांकि ये मतलब अफगान के विडो थे, हालांकि मतलब मेहरुन निसा से शादी किए थे, बाद में उनका नाम दे दिए थे नूर महल। नूर महल का मतलब क्या है? लाइट ऑफ द पैलेस, एंड नूर जहान, एंड नूर जहान दैट इज लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नूर जहां दैट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हालांकि उनको पदुसा बेगम का भी टाइटल मिला था, क्योंकि जहांगीर थोड़ा सा अयासी किस्म के थे। अयासी किस्म मतलब थोड़ा सा दारू मतलब शराब में डूबे हुए होते थे, ठीक है। बहुत सारे उनके महिला मित्र थे, तो वो सब चीज़ें में वो थोड़ा सा शौकीन इंसान थे। शौक उनका बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में था, और राजनीति में थोड़ा सा कम था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में कम था। तो एडमिशन जो मेनली संभालते थे वो है उनके वाइफ पदुसा मतलब नूर जहान, दैट इज नूर जहान। इसलिए उनको जो है पदुसा बेगम का टाइटल मिला था। वो इतना सीरियस नहीं थे मतलब रूल को लेके, ठीक है। और 1606 में, 1606 में जहांगीर एग्जीक्यूटेड द फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव बिकॉज ही हेल्प जहांगीर सन प्रिंस खुसरो टू रिवेल अगेंस्ट हिम। देखो उनका जो बेटा है खुसरो, उनका जो बेटा है खुसरो जो है जहांगीर के खिलाफ हो गया था, और उन्होंने जहांगीर ने उस टाइम पे ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी खुसरो को पकड़ेगा उसको वो इनाम देंगे। उस टाइम पे सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को पनाह दिया था, हेल्प किए थे, इसलिए 1606 में जहांगीर ने फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव को उन्होंने मार दिया था। उसके बाद 1609 में जहांगीर रिसीव विलियम हॉकिंस, देखो विलियम हॉकिंस, ठीक है, एन एनवॉय ऑफ द किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड हु रीच इंडिया, स्टार्ट ट्रेडिंग इन इंडिया। देखो ये सबसे बड़ा ब्लंडर था जहांगीर का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तो गठन हो गया था 1600 में इंग्लैंड में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। वो भारत ब्रिटिश कंपनी की तरफ से भारत नहीं आए थे। अगर पूछा पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से रूलर के टाइम पे भारत आए थे, वो होंगे जहांगीर। कौन सा ईयर में? 1609। कौन है वो? है विलियम हॉकिंस, ठीक है। और किंग जेम्स वन जो इंग्लैंड के राजा थे उन्होंने ही भेजा था। तो इनिशियली ब्रिटिशर केम टू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। हमें भी नहीं पता था कि वो सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली हम लोग को लूट मार करेंगे, बट इनिशियली हमें लगा था कि ये जो है भारत को बिजनेस करने आ रहे हैं। बिजनेस उनका मकसद था, हालांकि आप लोगों को पता होगा इंडिया ज़्यादा फेमस था, इंडिया अपना मसाला के लिए, स्पाइसेस के लिए। और तुम्हें तो पता है किस प्रकार से नॉनवेज चीज़ें खाते हैं ब्रिटिशर्स, बहुत नॉनवेज के शौकीन थे। उसके साथ साथ टी के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है। तो यहाँ पर पहले ही ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर इनिशियल पर्पस वॉज बिजनेस। हालांकि उनके दिमाग में कुछ और रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि जो 400 साल से पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे थे, नॉट ओनली इंडिया, हर एक कंट्री को मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 70 कंट्रीज को जिन्होंने रूल किया था, तो भारत को कैसे छोड़ते। तो इनिशियली पर्पस वो बिजनेस के हिसाब से आए थे, एंट्री किए थे, बट धीरे 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 उन्होंने देखा सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली इंडिया बैकवर्ड है, उनके ऊपर रूल किया जा सकता है, तब जाके धीरे धीरे रूल करने लगे थे। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो था जहांगीर का मतलब जहांगीर का एक तरफ से ब्लंडर था कि जहांगीर को परमिशन नहीं देना चाहिए था। दिस वॉज द ब्लंडर ऑफ जहांगीर। जहांगीर को यहाँ पर परमिशन नहीं देना चाहिए था। क्लियर है? तो आल से दिस वॉज द ब्लंडर ऑफ जहांगीर, ठीक है। जहांगीर को ये चीज़ें जो है परमिशन नहीं देना चाहिए था। बट इनिशियली जब ब्रिटिशर्स आए थे देयर इंटेंशन वॉज टू डू ट्रेडिंग विथ इंडिया, बट धीरे धीरे जब उन्होंने देखा था सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली इंडिया जो है बैकवर्ड है, तो धीरे धीरे रूल किया जा सकता है, तो धीरे धीरे दे स्टार्टिंग द रूलिंग ओवर इंडिया। धीरे धीरे वो रूल करने लगे, ठीक है। उसके साथ साथ देखो जहांगीर डिफिटेड द महाराजा अमर सिंह। जहांगीर ने महाराजा अमर सिंह को भी डिफीट किए थे। वो जो सन किसके बेटा थे? वो महाराणा प्रताप के बेटा थे, इन द ईयर 1650 में, देखो 15 में। तो महाराणा प्रताप को देखो मतलब महाराणा प्रताप का बेटा हो जो है अमर सिंह है, और अकबर का बेटा जो है जहांगीर है। अकबर ने किसको हराया था? महाराणा प्रताप को हराया था, है ना। कौन सा बैटल में? बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। हालांकि मान सिंह उनके तरफ से लड़ रहे थे। अब जो है अकबर का बेटा जहांगीर जो है महाराणा प्रताप का बेटा को हरा रहा है अमर सिंह को। क्लियर है पॉइंट? तो रिलेट कर सकते हो आप। और जहांगीर बिल्ड शालीमार, शालीमार एंड निशांत गार्डन इन श्रीनगर। तो जहांगीर ने शालीमार और निशांत गार्डन श्रीनगर में किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए
जहांगीर सस्पेंडेड ए चेन ऑफ जस्टिस नोन एज जंजीरे अदल इन फ्रंट ऑफ हिज कोर्ट. देखो एक एक फेमस डिपार्टमेंट जहांगीर ने शुरुआत की थी वो डिपार्टमेंट है जंजीरे अदल. जंजीरे अदल एक जुडिशियल डिपार्टमेंट था. जहांगीर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे कि लोगों को न्याय बहुत अच्छे देते थे. न्याय के मामले में चाहे वो शराबी हो बट न्याय के मामले में जस्टिस के मामले में जहांगीर थोड़ा सा फेमस थे. मतलब ही गिव प्रॉपर जस्टिस टू पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड रिलीजन एंड बर्थ प्लेस. ये सबसे बढ़िया चीज़ है जहांगीर के बारे में कि जंजीर ए अदल एक ऐसा डिपार्टमेंट था. वो खुद भी बैठते थे और जितने भी बड़े लेवल के पोजिशन में जो हुआ करते थे पंडित मौलवीज उनको रखते थे. सीनियर मोस्ट लोगों को जो आज के डेट में एडवाइजर के काम करते थे उस टाइम पे मतलब रेस्पेक्टेबल पोजिशन को एंड वो लोग ही जजमेंट देते थे इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रीड एंड रिलीजन एंड बर्थ प्लेस. तो ये एक बहुत अच्छा शुरुआत था. तो उस कंसेप्ट को कहा जाता था जंजीरे अदल. देन ही वॉज मैरिड विद राजपूत प्रिंसेस जगत गोशेन. तो उन्होंने भी एक राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी जिनका नाम है जगत गोशेन और बाद में उनका नाम बन गया था जगत गोशेन और बाद में उनका नाम बन गया था जोधाबाई. देखो ये जोधाबाई और वो जोधाबाई अकबर के जोधाबाई अलग हैं ठीक है. एंड सी वाज नोन एज बालकिस बानो बेगम एंड हैड ए सन नेम खुर्रम. तो पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि यहां पर भी जोधाबाई है ठीक है. तो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से ध्यान रखना एक चीज, जहांगीर का वाइफ के हिसाब से लिखा गया है जोधाबाई बट वो जोधाबाई एज ए पर्सन और ये जोधाबाई एज ए पर्सन दोनों अलग अलग हैं. एक ही नाम नहीं है, ये अलग अलग नाम है. मैंने अभी बताया था कि अकबर के जो वाइफ का नाम है वो हरकाबाई है. हरकाबाई को भी जोधाबाई कहा जाता था. तो वो जोधाबाई एक अलग पर्सन है और ये उनका नाम है जगत गोशेन, उनको भी जोधाबाई कहा जाता था. तो एनसीईआरटी किताब के हिसाब से एक चीज ध्यान रखना, उनके बारे में जोधाबाई मेंशन्ड है बट अकबर के वाइफ के बारे में जोधाबाई मेंशन नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द तमिलनाडु बोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी जो सेंट्रल लेवल पे है ठीक है. तो ध्यान रखना ये चीजें. तो इनकेस अगर जोधाबाई के बारे में क्वेश्चन आती है तो थोड़ा सा सतर्क रहना ठीक है. तो जोधाबाई, ये जोधाबाई और वो जोधाबाई दोनों अलग अलग हैं ठीक है. और ये जोधाबाई का नाम पड़ गया था बालकिस बानो बेगम एंड उनका जो बेटा हुआ था जहांगीर और जोधाबाई का उनका नाम था खुर्रम. नाम देखो कितना अजीब है, खुर्रम ठीक है. तो ये खुर्रम बाद में बन गया था शाहजहान ठीक है. खुर्रम जो है बाद में उनका नाम पड़ गया था शाहजहान ठीक है. तो दिस पीरियड ऑफ जहांगीर इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पेंटिंग. देखो दो प्रकार का चीजें यहां पर पुटअप हो सकती है. एक है गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग किसके दौर में कहा जाता है, किसके टाइम को. एक है गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर किसके टाइम पे कहा जाता है. अगर सिंपली क्वेश्चन होता है गोल्डन एज ऑफ आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर अगर पूछा जाता तो वो शाहजहान का पीरियड होता. बट यहां पर क्या है, गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग. देखो जहांगीर वो खुद ही एक बहुत अच्छे पेंटर थे. बहुत उनके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों का शकल देख के बता सकते थे कि किसका कौन सा पेंटिंग है. मतलब पेंटिंग और शकल देख के बता सकते थे कि किसका कौन सा पेंटिंग है, ये कहा जाता है उनका मतलब पेंटिंग के बारे में. सो वो खुद ही बहुत अच्छे पेंटर थे, बहुत बेहतरीन पेंटर थे, ग्रेट पेंटर थे ठीक है. एंड गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग उनके टाइम पे कहा जाता है. और गोल्डन एज अब अगर मुगल एम्पायर कहा जाए तो वो शाहजहान का पीरियड होगा क्योंकि आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा फ्लोरिश था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहान. शाहजहान के टाइम पे आप ताजमहल से लेकर जमा मस्जिद तक तो हर एक इमारतें जो बनाया गया जो हिस्टोरिकली आज के डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज द एज ऑफ गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग. एंड जहांगीर हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर एंड उस्ताद मंसूर एंड अब्दुल हसन द फेमस पेंटर ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ जहांगीर. उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन व द ग्रेटर ग्रेटेस्ट पेंटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर. और टबाको को अकबर ने परमिशन दिया था बट टबाको को किसने बैन किया था, जहांगीर ने टबाको को कंप्लीटली बैन किए थे जो अकबर ने परमिशन दिया था पुर्तगीज को ठीक है. एंड जहांगीर मेड लाहौर एज द कैपिटल सिटी. जहांगीर जो है लाहौर को अपना कैपिटल सिटी के हिसाब से बना दिया था लाहौर को ठीक है. एंड उनके टाइम पे फेमस इटालियन ट्रैवलर पेट्रावेले, फेमस इटालियन ट्रैवलर पेट्रावेले केम ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ अकबर. एंड उनका जो ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में वो खुद लिखे थे. जहांगीर रोट अपना ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है, तुजू के बाप जहांगीरी, तुजू के जहांगीरी
कौन सा भाषा में? पर्शियन लैंग्वेज में लिखे थे, क्लियर है। और जहांगीर का डेथ हो गया था 1627 में, और शाहदरा इन मतलब लाहौर में उनको जो है क्रीमेटेड, दफनाया गया था। तो 1627 में उनका डेथ हो गया था और ही वॉज क्रीमेटेड एट शाहदरा, दैट इज इन लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान। क्लियर है पॉइंट, आज के डेट में पाकिस्तान, क्लियर है। देन उसके बाद आते हैं द चॉकलेटी हीरो, द रोमांटिक किंग, दैट इज शाहजहां, 1627 से लेकर 1657 तक, ठीक है। और शाहजहां के पीरियड को दिस वाज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर इन टर्म्स ऑफ आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, क्योंकि ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक, रेड फोर्ट से लेकर रंगमंच तक, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं शाहजहां के टाइम पे बनाया गया था, जो आज के डेट में भी फेमस है। ताजमहल के बारे में किसको नहीं पता है। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में, कहाँ पे? लाहौर में हुए थे, क्लियर है पॉइंट। एंड उनका मदर का नाम है जगत गोशन, एंड उनका चाइल्डहुड नाम मैंने बताया था खुर्रम खुर्रम खुर्रम, और उन्होंने अंजू बानो बेगम से 1612 में शादी किए थे। बाद में अंजू बानो बेगम का नाम हो गया था मुमताज महल, मुमताज महल, ठीक है। और उस टाइम पे पुर्तगीज ने अटैक किया था और 1631 में उन्होंने पुर्तगीज का जो सेटलमेंट है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे हुबली में, क्लियर है पॉइंट। तो देखिए उनका मदर का नाम क्या है, जगत गोशन, मदर का नाम है जगत गोशन, एंड चाइल्डहुड नेम क्या है उनका, खुर्रम जो है उनका चाइल्डहुड नाम है। और उन्होंने जो शादी किया था उनका नाम क्या है, अंजू बानो बेगम, और बाद में ये अंजू बानो बेगम जो है उनका नाम फेमस हुआ था मुमताज महल, और जिनकी याद में ताज शाहजहां ने ताजमहल बनवाए थे। हालांकि उनके सात वाइफ थे, और ऐसा भी नहीं है कि जो ये कहा जाता है कि मुमताज महल सबसे खूबसूरत थी, ऐसा भी नहीं है, सबसे खूबसूरत फर्स्ट वाली थी ऐसा कहा जाता है, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा है हालांकि, तो हालांकि यस, बट उनके डेथ के हिसाब से उन्होंने मतलब दुनिया के इतिहास के लिए मेमोरेबल थिंग जो है ताजमहल बनवाया था, ठीक है। एंड शाहजहां डिस्ट्रॉयड द पुर्तगीज सेटलमेंट, पुर्तगीज सेटलमेंट को डिस्ट्रॉय किए थे हुबली में इन द ईयर 1631 में, कब? 1631 में, कहाँ पे? हुबली में, ठीक है। देन हुगली अलग है, ये हुबली है, ठीक है, हुगली रिवर अलग है वो, ठीक है। देन उसके बाद शाहजहां पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्ट, एंड शाहजहां इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ बिल्डर्स, तो स्वर्णकाल कहा जाता है, मुगल साम्राज्य के स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, शाहजहां को पीरियड कहा जाता है, और उसको प्रिंस ऑफ द बिल्डर्स भी कहा जाता है। देखो गोल्डन एज, ध्यान रखना, शाहजहां पीरियड वाज कंसीडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिस द मोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, एंड शाहजहां इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने द फेमस ताजमहल बनवाया था अपने वाइफ मुमताज के याद में, मतलब उनको कंप्लीट करने के लिए 22 साल लग गए थे, ठीक है, 22 साल लग गए थे 1631 से लेकर 1653 तक, ठीक है। तो उन्होंने बनवाया था, तो 1631 में ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल इन हिज मेमोरी, मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, दैट इज मुमताज महल, ठीक है। एंड 16 कंप्लीटेड इन द ईयर 1653, ठीक है, 1653। इट टूक 22 years, 22 साल लगा था, 22 साल लगा था टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर्स। द मेन आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल वॉज पर्शियन आर्किटेक्ट उस्ताद ईशा, तो देखो उसको 22 साल लगे थे, एंड मेन आर्किटेक्ट ऑफ द ताजमहल वाज पर्शियन आर्किटेक्ट, एक पर्शियन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम क्या है, उस्ताद ईशा। ये भी एक कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो आर्किटेक्ट थे दोबारा ऐसा नयाब चीज ताजमहल ना बन पाए इसलिए उनका हाथ काट दिए गए थे, ये कहा जाता है, बट हालांकि कहीं एनसीईआरटी किताब में इस बात का जिक्र नहीं है और इस बात के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे कि सच में हाथ कट गया था या नहीं कट गया था, बट हाँ ये जरूर है कि जैसे कि मतलब ये मतलब शाहजहां खुद चाहते थे कि ऐसा दोबारा इमारत ना बन पाए, ठीक है। एंड इन 1638 में शाहजहां बिल्ड हिज न्यू कैपिटल शाहजहांबाद, अपना एक नया कैपिटल शाहजहांबाद जो है इन दिल्ली, एंड शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम आगरा, आगरा से शिफ्ट किया था दिल्ली को, एंड ही बिल्ड हिज फेमस जामा मस्जिद, उन्होंने जामा मस्जिद जो दिल्ली में है
है ना, जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो भी बनवाए थे। एंड उसके साथ साथ देखो, इन 1939 ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बारे में किसको नहीं पता है, सबको पता है रेड फोर्ट, ठीक है। तो रेड फोर्ट कहाँ पे बनवाए थे, दिल्ली में, ठीक है, ऑन द मॉडल ऑफ आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जिस प्रकार से है उस प्रकार के मॉडल में बनवाया था। इट कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 1648 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। एंड दीवान ए आम और दीवान ए खास एंड मोती मस्जिद आर सिचुएटेड इन साइड द रेड फोर्ट। तो ध्यान रखना, दीवान ए आम और दीवान ए खास, देखो दीवान ए आम और दीवान ए खास क्या है। आप जब भी रेड फोर्ट के अंदर जाओगे वहाँ पर दीवान ए आम और दीवान ए खास मिलेगा आपको। दीवान ए आम में क्या है, वहाँ पर जो है असेंबली होता था, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए। दीवान ए खास मतलब खास लोगों के लिए एक मीटिंग होता था। तो ये जो है, मतलब एक मोती मस्जिद भी है वहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर, ठीक है। और वो पीकॉक थ्रोन, जो मयूर सिंहासन, ठीक है, जिसमें मतलब कोहिनूर डायमंड जो है लगा हुआ था, तो ये उन्होंने ही बनवाया था। ही बिल्ड द फेमस पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन मतलब मोर सिंहासन, जहाँ पर कोहिनूर डायमंड लगा हुआ था, उन्होंने ही बनवाया था ये चीज़ें, ठीक है। एंड द पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। पोर्तुगीज जो है यूरोपियन पेंटिंग का इंट्रोड्यूस किया था शाहजहां के टाइम पे। हालांकि देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, शाहजहां जो है मतलब उनके टाइम को कहा जाता है बिल्डर्स, ही वॉज ए ग्रेट बिल्डर्स। और जितने भी मुगल आर्किटेक्ट का जो फेमस चीज़ें बनी हैं, जो आज तक भी फेमस है, ताजमहल ले लो, रेड फोर्ट ले लो, जामा मस्जिद ले लो, तो जितना भी फेमस चीज़ें जो बनी हैं शाहजहां के टाइम पे, और शाहजहां के बारे में ये कहा जाता है कि शाहजहां जो है अपना जो शाही खजाना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते थे हिस्टोरिकल चीज़ें बनाने के मामले में, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उनका जो बेटा था औरंगजेब उन पे मतलब खुश नहीं था। और लास्ट स्टेज में उन्होंने क्या किया था, शाहजहां को बंदी बना लिया था। इसी चक देखो दो रीज़न था, शाहजहां का जैसा ही तबीयत ख़राब हुआ, मतलब उनका जो चार बेटा थे उस टाइम पे, और औरंगजेब जो है सबसे छोटा था, दारा शेखो जो है सबसे बड़ा था। तो शाहजहां खुद चाहते थे कि दारा शेखो जो है शासक बने, क्योंकि औरंगजेब का करेक्टर उनको पता था। बट औरंगजेब ने दारा शेखो को मुंडी काट कर वो राजा बन गया था। और बनने के बाद उन्होंने शाहजहां को ही जेल में डाल दिया था, बंदी बना के जेल में डाल दिया था। उसके साथ साथ उनका जो डॉटर है जहां आरा को भी जेल में डाल दिया था। और हालांकि औरंगजेब मतलब एक तरफ से खूंखार, जो सोच सकते हो किस प्रकार से उसका एंट्री है कि अपने फादर को जेल में डालना, उसके साथ साथ वो अपना बड़े भैया को मार के मुंडी काट के वो राजा बनना, तो किस प्रकार का मेंटेलिटी का इंसान है आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इन द ईयर 1658 में शाहजहां वाज इम्प्रिजन बाय हिज सन औरंगजेब। तो 1658 में ही शाहजहां जो है को बंदी बनाए थे, किसने, औरंगजेब ने। तो ये एक मतलब बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था औरंगजेब को कि शाहजहां के चार बेटे थे, सबसे छोटा औरंगजेब था, बट औरंगजेब दारा शेखो सबसे बड़ा था, दारा शेखो वाज सपोज टू बी द किंग, उसका मुंडी काट के औरंगजेब जो है शासक बन गया था। और औरंगजेब जो है 1658 में मतलब शाहजहां को बंदी बनाया था। उसके साथ साथ उनका जो बेटी, शाहजहां का बेटी मतलब अपनी सिस्टर जहां आरा को भी वहां पर प्रिजन में डाल दिया था, ठीक है। उसके साथ साथ और एक चीज़ है, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर एंड ट्रेवेनियर एंड द इटालियन ट्रैवलर मनुची विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड। तो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, देन ट्रेवेनियर, देन मनुची जो है इटालियन ट्रैवलर, ये शाहजहां के टाइम पे आए थे। तो एक तरफ से देखा जाए तो औरंगजेब उसके बाद जो है आए थे 1657 से 1700, ही ऑलमोस्ट रूल फॉर द 50 ईयर, 50 साल तक रूल किए थे, सबसे खूंखार थे, ठीक है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि औरंगजेब वॉज द पर्सन जो हिंदुओं का मंदिर मस्जिद को तोड़वाया था, हिंदुओं का सारे फेस्टिवल को बंद कर दिए थे, दिवाली, होली, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल को बंद कर दिए थे। उन इतना स्ट्रिक्ट थे कि अपने दरबार में कोई स्माइल नहीं कर सकता, डांस गाना ये सब को बैन कर दिया था। मतलब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जो है काम कर रहे थे, ठीक है। तो औरंगजेब जो है जब जैसे ही अपने फादर्स को बंदी बनाया था, और उसके बाद जो है उनका एल्डर ब्रदर्स दारा शेखो को, एल्डर ब्रदर्स दारा शेखो को मार दिए थे बैटल ऑफ समुद्रगढ़ में, ठीक है, इन द ईयर 1658 में
And Dara Seco is one of the important names as converted the Gita into the Persian language. Gita ko Persian language mein convert karne wale jo the, wo hai Dara Seco the. But his actual coronation was conducted in 1659 mein hua tha actual coronation, and Alamgiri was the name adopted by Aurangzeb when he became the Padusa. To apne aap ko ek title diya tha, wo title ka naam tha Alamgiri. Wo Aurangzeb ne apne aap ko diye the. ठीक है, उसके साथ साथ देखो औरंगजेब को जिंदा पीर और लिविंग सेंट भी कहा जाता है. ठीक है, औरंगजेब थोड़ा सा ड्यूअल टाइप पर्सनालिटी थे, मतलब एक तरफ से खूंखार भी थे, एक तरफ से कुछ हद तक अच्छे थे, कुछ हद तक, पूरा अच्छा तो नहीं कह सकते बट टू सम एक्सटेंट. अब देखो उनको लिविंग सेंट, जिंदा पीर कहा जाता था. जिस प्रकार से शाहजहां अपने सारे खजाने, जितने भी टैक्स आते थे, सारे खजाने कहाँ पे इस्तेमाल करते थे कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बनाने में खर्च करते थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है शाहजहां को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उस टाइम पे इतने गरीबी है, उस टाइम पे ये चीज़ें हैं, फिर भी आप हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स बनाने में लगे हुए हो, आप लोगों को रोज़गार दो, लोगों को इम्प्रूवमेंट, लोगों गरीबी गरीब को मदद करो, ये सब क्रिटिसिज्म हो रहा था. तो औरंगजेब जो है, जितना भी टैक्सेस का जो पैसा आता था शाही खजाना, उसको इस्तेमाल पर्सनल चीज़ के लिए नहीं करते थे, वो खुद जो है कुरान लिखते थे, पगड़ी सिलवाते थे, और वहाँ से जितना मिल जाता था वो अपना पर्सनल लाइफ में, उनका जो पर्सनल लाइफ है इट वाज वेरी सिंपल, बट थे उनका दिमाग जो है काफ़ी खूंखार था, और हिंदुओं के प्रति खासकर उनका जो रवैया था बहुत ही ख़राब था. हिंदुओं के सारे फेस्टिवल बैन था, दिवाली, होली, सारे फेस्टिवल बैन था, दशहरा, हिंदुओं के मंदिर को उन्होंने तोड़वा दिए थे. तो हिंदुओं के प्रति उनका जो, मतलब ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट इंडिया इंटू इस्लामिक कंट्री, जो कि पॉसिबल नहीं था, वो कोशिश कर रहे थे. तो औरंगजेब वाज नोन एज जिंदा पीर एंड लिविंग सेंट बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफस्टाइल. तो उनके सिंपल लाइफस्टाइल की वजह से उनको जिंदा पीर और लिविंग सेंट भी कहा जाता है. और देखो ही बैंड म्यूजिक, अपने दरबार में म्यूजिक और डांस को भी उन्होंने बैन कर दिया था. आउटस्टेटेड ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम हिज कोर्ट, और सबको जो है कोर्ट से निकाल दिए थे. इवन ये कहा जाता है कि हंसना भी वहां पर मना था, आप म्यूजिक नहीं कर सकते, आप डांस नहीं कर सकते. ठीक है, हालांकि वो खुद एक अच्छे वीणा प्लेयर थे. एंड 1675 में, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, 75 में एग्जीक्यूटेड द नाइन्थ सिख गुरु, जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, जिनके हिसाब से जीटीबी नगर भी है गुरु तेग बहादुर, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर, गुरु तेग बहादुर, बिकॉज ऑफ हिज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द इस्लाम. देखो दरअसल क्या होता है, गुरु तेग बहादुर को वो पूरा, he wanted to convert India into Islamic country. तो जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सबको जो है इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए वो ज़बरदस्ती कर रहे थे. तो उस टाइम पे गुरु तेग बहादुर को जब वो ज़बरदस्ती कर रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, तो उनका ये कहा जाता है कि उनका मुंडी काट दिए थे. हालांकि ये कुछ और लोग कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर खुद ही अपने मुंडी काटे थे, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो ही औरंगजेब ने काट दिया था, बट anyway, जो भी है, तो नतीजा ये है कि वहाँ पर गुरुजी का डेथ हो गया था, और जहाँ पर उनका मुंडी कटा हुआ था उसको गुरुद्वारा सिसगंज कहा जाता है, जो न्यू दिल्ली में है, गुरुद्वारा सिसगंज कहा जाता है. ठीक है, सो तेग बहादुर वाज एग्जीक्यूटेड एट द चांदनी चौक इन न्यू दिल्ली, गुरुद्वारा बुल्ड, देयर इज कॉल्ड द गुरुद्वारा सिसगंज. जो चांदनी चौक में जो है दैट इज नोन एज गुरुद्वारा सिसगंज है. क्लियर है पॉइंट. और जो जजिया कर, मैंने बताया था कि जजिया कर की शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने. फिर रीइम्पोस्ट किसने किया था जजिया कर को, फिर रिवाइज किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने. किसने हटाया था, अकबर ने, उसको फिर से रीइम्पोस्ट किए थे जजिया कर. जो नॉन मुस्लिम टैक्स है, जो मुसलमान नहीं है टैक्स देगा, किसने, औरंगजेब ने फिर से उसको. हाँ, एक ही काम उन्होंने अच्छा किया था, वो सती प्रथा को दूर किए थे, सती प्रथा, सती सिस्टम, सती प्रैक्टिस को थोड़ा सा हटाने का काम किए थे. ठीक है, और औरंगजेब कॉल्ड शिवाजी ए माउंटेन रेट, शिवाजी को माउंटेन रेट भी कहते थे, एंड गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा बिकॉज ऑफ हिज गुरिला टैक्टिस. गुरिला टैक्टिस की वजह से उनका नाम राजा भी दिए थे और माउंटेन रेट भी कहते थे. इन 1660 ही इंस्ट्रक्टेड सस्त खान टू डिफीट शिवाजी, मतलब शिवाजी के खिलाफ एक तरफ से उन्होंने षड्यंत्र किया था और शिवाजी को अपने घर बुला लिया था. हालांकि शिवाजी भी थोड़ा सा चालाक इंसान है, हालांकि शिवाजी जो है बाद में चले गए थे. बट एंड 1665 में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन महाराजा जय सिंह एंड ऑफ अंबर एंड शिवाजी. ठीक है, और औरंगजेब जो है फेमस पर्ल मस्क्यू इन साइड द रेड फोर्ट, उन्होंने मतलब जो रेड फोर्ट के अंदर जो पर्ल मस्क्यू था उन्होंने औरंगजेब ने ही बनाया था.
एक ही मुगल एम्पायर के एक ही मात्र ऐसे शासक थे जो कि ड्रंकर्ड नहीं थे, शराबी नहीं थे, वो है औरंगजेब। बाकी जितने भी थे वो कहीं ना कभी जो है शराब पीते थे, ठीक है। और उन्होंने एक चीज़ की थी, देखो हिंदू के जितने भी फेस्टिवल थे, ठीक है, हिंदू के जितने भी फेस्टिवल थे लाइक होली, दशहरा, ठीक है, मकर संक्रांति, ठीक है, जितने भी फेस्टिवल थे उनके ऊपर उन्होंने बैन किया था। उसके बाद टेंपल, मंदिरों को तोड़वाने की कोशिश की थी। ही वॉन्टेड टू कन्वर्ट इंडिया इंटू ए इस्लामिक कंट्री। ही इम्पोज एन इस्लामिक लॉ, दैट इज़ फतवा ए आलमगिरी इन इंडिया। एंड औरंगजेब का डेथ हुआ था 1707 में, फेबररी 20 में, इन अहमदनगर, एंड हिज टॉम्ब इज सिचुएटेड एट द दौलताबाद इन महाराष्ट्र, जो कि दौलताबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र में उनका टर्म है, ठीक है। तो अब देखो लेटर मुगल्स, तो ये जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अर्ली मुगल्स के बारे में, जिसने हमने बात किया था आज बाबर के बारे में, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द हुमायूं, देन ऑल्सो शेर शाह सूरी भी डिस्कस किए थे, देन उसके बाद अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, एंड देन औरंगजेब। तो दीज आर द मेन टॉपिक्स, ठीक है, दीज आर द मेन टॉपिक्स। बट अब कुछ मेन मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपके रिलीवेंट हो सकते हैं। कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं, देखो। अब देखो, बहादुर शाह वन केम टू द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के बाद आए थे, एंड हिज रियल नेम वॉज मोसम, एंड ही बिल्ड द फेमस बीबी का मकबरा। जो मेन मेन चीज़ है वही बता देता हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बीबी का मकबरा, ठीक है, कहाँ पे, एट औरंगाबाद, इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर दिलरास बानो बेगम। तो इतना याद रखना, बीबी का मकबरा उन्होंने बनाया था कहाँ पे, औरंगजेब में, दिलरास बानो बेगम के याद में, ठीक है। उसके बाद आते हैं जहंदर शाह। जहंदर शाह उन्होंने एबोलिश द फेमस जजिया टैक्सेस इन 1713। देखो, जजिया कर को औरंगजेब ने रीइम्पोज किया था, और वही जजिया कर को फिर से वो हटाते हैं कौन सा ईयर में, 1713 में। उसके बाद आते हैं देखो फरुख शियार इन द ईयर 1770 गेव द परमिशन टू द ब्रिटिशर टू डू द टैक्स फ्री ट्रेड इन इंडिया। ये उन्होंने गलत कर दिया था, 1770 में टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर को उन्होंने परमिशन दे दिया था। क्लियर है पॉइंट। देन उसके बाद देखो मोहम्मद शाह और रुस्तन खान, 1719 से लेकर 1748 ही वॉज डिफिटेड बाई नादिर शाह ऑफ ईरान इन द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में वो नादिर शाह से हार गए थे, एंड इन द ईयर 1739 एंड टुक अवे द शाहजहां फेमस पीकक थ्रोन, दैट इज कोहिनूर डायमंड। जो शाहजहां का जो कोहिनूर डायमंड था, शाहजहां ने अपने जो पीकक थ्रोन में लगाए थे, वो हार गए थे, ठीक है। उसके बाद देखो अहमद शाह 1748 से लेकर 54 पीरियड सॉ द माइटी इन्वेशन ऑफ द अहमद शाह अब्दली अफगानिस्तान है। तो जो अहमद शाह अब्दली आए थे अफगानिस्तान का, उस टाइम पे हुआ था। उसके बाद देखो आलमगिरी सेकेंड जो है 1754 से लेकर 79 ड्यूरिंग हिज पीरियड को क्या हुआ था, बैटल ऑफ पलासी हुआ था, जो कि 1757 में हुआ था वॉर, ठीक है। एक एक सिंपल सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये लेटर मुगल्स। थोड़ा सा जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको ओवरलुक कर रहा हूँ। देन उसके बाद देखो शाह आलम सेकेंड 1760 से लेकर 1788 ड्यूरिंग हिज पीरियड क्या हुआ था, देखो उन बैटल ऑफ पलासी हुआ था आलमगरी के टाइम पे, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था शाह आलम के टाइम पे, ये चीज़ें ध्यान रखना 1764 में। उसके बाद अकबर शाह सेकेंड भी है, जो कि कन्फर द राजा अपन द राम मोहन राय को उन्होंने राजा का टाइटल दिए थे। उसके बाद देखो बहादुर शाह सेकेंड, ठीक है, बहादुर शाह सेकेंड इज नोन एज बहादुर शाह जाफर। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। उन्हीं के टाइम पे ब्रिटिशर आए थे, आप लोगों को पता होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 में मतलब जो बहादुर शाह जाफर वॉज द किंग एट द टाइम, और ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जाफर को कैप्चर करके, उस टाइम पे मुगल जो है रेड फोर्ट में रहते थे, रेड फोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था, और रेड फोर्ट को उनके वाइफ को भी नहीं दिए थे, या उनके वाइफ मतलब बेटा को भी नहीं दिए थे, रेड फोर्ट वॉज कम्प्लीटली कैप्चर बाय द ब्रिटिशर्स। तो ऑन May 17, 1857 बहादुर शाह सेकेंड वॉज डिक्लेयर द इंडिपेंडेंट एम्परर ऑफ इंडिया बाय द म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब सिपाही विद्रोह वाले, ठीक है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। एंड ही वॉज सरेंडर्ड टू लेफ्टिनेंट डब्ल्यू एस
Hudson and Humayun term in Delhi in 1859, he was deported to Rangoon. Rangoon bhej diya gaya tha, and in December he expired in 1862. Unko halaki capture kar diya tha, Rangoon bhej diya gaya tha, aur unka death ho gaya tha. Theek hai? Aur he was the famous Urdu poet. Theek hai? So this is all about the Bahadur Shah II. So Bahadur Shah II ke bare mein ye hai, jab revolt of 1857 hua tha, बहादुर शाह जाफर को म्यूटिनी का सबसे हेड माना गया था. और म्यूटिनी का जब सबसे हेड माना, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया है रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उस टाइम पे बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जाफर को ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया और रेड फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया. फिर उसको पकड़ के रंगून लिया गया, बाद में उनका डेथ हो गया था. तो यहाँ पर फिर आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह जाफर देयर वाज एंड ऑफ द मुगल एम्पायर. तो शुरुआत होती है बाबर से और एंड होती है बहादुर शाह जाफर से. सो दिस इज ऑल अबाउट द मुगल एम्पायर. फिर से बता रहा हूँ, मुगल एम्पायर को दो पाग में डिवाइडेड है, एक है अर्ली मुगल्स, एक है लेटर मुगल्स. अर्ली मुगल्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें आते हैं बाबर, उसके बाद आते हैं हुमायूं, देन थोड़ा सा शेरशाह सूरी को भी पढ़ लेना, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब. तो ये जो सात रूलर है मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी जो रूलर है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो जो मेन मेन पॉइंट है मैंने आप लोगों को बता दिया है. ठीक है, so this is all about the Mughal Empire, complete history about the Mughal Empire. Thank you all, have a nice day and take care. Agar aap logo ko pasand aaya hai to like zarur karna aur share kariye if you like that. Theek hai, thank you all, have a nice day. Okay, thank you all.